हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन जी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। चलो शुरू करें आज का डिस्कशन। आगे सभी बच्चे जो जो आने थे, हेलो हाय प्रणाम, इंक्लूडिंग द राम राम। तो स्टार्ट कब होगा? 5 PM पे तक। अच्छा, नितिन स्टार्ट हो चुकी है भाई क्लास। ठीक है, थोड़ा 5-7 मिनट मैनेज कर लिया करो। हाँ, मैं पर क्वेश्चन यार आपको 2 मिनट दूंगा। ठीक है, तो कोई भी बच्चा ना जल्दबाजी में आंसर मत करना। ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखना आप सभी। ऐसे 5 सेकंड में आंसर बता के शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा सीरियस होके देना है। इन शॉर्ट 1 मिनट रुको, पहले मैं लिंक शेयर करूँ। एक मिनट बस लिंक शेयर करो, मैं 1 मिनट देना। चलो शुरू करें। ओके, हेलो भाई, गुड इवनिंग पहले तो सभी बच्चों को। ठीक है, आज का जो टेस्ट है यार उसमें टोटल 20 क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, 20 क्वेश्चन है और ये जो 20 क्वेश्चन है ये पूरे के पूरे कंप्लीटली मिक्स हैं, यानी कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी है, नंबर सिस्टम के भी है, ज्योमेट्री के भी है, टीआई का भी क्वेश्चन है, सब कुछ मिक्सअप है। डन। दंडवत प्रणाम, क्या बात है राहुल। बहुत बढ़िया। क्या है, तो 20 क्वेश्चन होंगे और पूरी तरीके से कंप्लीटली मिक्स हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, बात क्लियर है सभी को? टाइम मैं आपको दूंगा पर क्वेश्चन, 2 मिनट का टाइम मैं दूंगा। ठीक है, पर क्वेश्चन आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा, तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में आंसर करने की जरूरत नहीं है। पूरा 2 मिनट यूटिलाइज करना, कोशिश करना एक्यूरेसी पे। ठीक है, एक्यूरेसी पे कोशिश करना कि अगर 20 क्वेश्चन है तो कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका सीमेट में अगर काम खराब होगा तो सिली मिस्टेक की वजह से होगा, वरना टाइम तो अच्छा खासा होता है। टाइम तो मुद्दा है ही नहीं, जैसा भी सीमेट में MSCET में आप लोग कह रहे थे ना कि सर क्वेश्चन आसान थे पर थोड़ा सर टाइम हमें कम पड़ गया MSCET में, लेकिन सीमेट में ऐसा कुछ नहीं होता। सीमेट में अच्छा खासा टाइम मिलता है पर क्वेश्चन। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। आगे हैं आई गेस सभी बच्चे जो जो आने थे, सबको क्लियर है ना हमने क्या क्या बोला? तो वन बाय वन मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता रहूंगा, उनका आंसर मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा कि कैसे उसको सॉल्व करना था। डन है? चलो फिलहाल हम लोग मुद्दे पे आते हैं और शुरू करते हैं आज की वार्तालाप। सर देयर वाज कैट एंड जेड का PYQ इन MSCET। ओके, थोड़ा मतलब इसीलिए मैं कहता हूं यार हर बार ना कि ऐसे मत लेके चलो कि बहुत आसान पेपर आएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कि बहुत आसान पेपर आएगा, बहुत आसान होगा, सीमेट में बहुत इजी पॉइंट्स आती है, ऐसा कुछ नहीं होता यार। ठीक है, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, मैं नहीं कह रहा डिफिकल्ट आते हैं, पर ये होता है कि किसी भी चैप्टर के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना वो रिपीट होते रहते हैं। इसलिए कोई भी सेशन अगर आपको मेरा दिख रहा है जो 3 घंटे मैंने किसी टॉपिक को दिए तो कुछ सोच समझ के ही दिए होंगे मैंने 3 घंटे। क्लियर है ना? किसी टॉपिक को अगर ज्योमेट्री आप देखोगे तो ज्योमेट्री लगभग मैंने 8 आवर्स की पढ़ाई है, तो कुछ सोच समझ के ही मैंने 8 आवर्स की पढ़ाई है, ऐसे बिना मतलब टाइम पास नहीं किया। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। फिलहाल आते हैं मुद्दे पे और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज पहला टेस्ट है ये, आज पहला टेस्ट है। ठीक है, आज हमारा जो सीमेट का मैं आपके लिए जो मैं अब टेस्ट है ना स्टार्टिंग में, अभी जब तक डेट नहीं आ जाती, ठीक है, जब तक एग्जाम की डेट नहीं आ जाती तब तक क्या कहता हूँ फुल लेंथ टेस्ट ही रखो ना, जब तक एग्जाम डेट नहीं आती। फिर जब एग्जाम डेट आ जाएगी, जो भी 3-4 दिन के अंदर एग्जाम डेट पता लगेगी, फिर थोड़ा सा ना मैं इसको ऐसे रखूंगा कि लाइक पहला टेस्ट उसमें 3-4 चैप्टर, अगला टेस्ट उसमें और 3-4 चैप्टर, मतलब पुराने वाले 4 और नए वाले 4 मिला के 8 चैप्टर, ऐसे ऐसे करके करेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक डेट नहीं आती तब तक फुल लेंथ टेस्ट रखते हैं। हालांकि ये चीज बहुत ही बेकार कर रहे हैं वो लोग, अभी तक उन्हें डेट बता देनी चाहिए। अरे भैया तुम्हें 17 को लेना, तुम 16 को लेना है, तुम्हें सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में लेना है, जब बता तो दो ताकि बच्चा क्लियर हो जाए यार। ठीक है, वो चीज थोड़ी सी बेकार है। जब लेना है तब लो, बस एक एग्जाम डेट बता दो ताकि बच्चे, क्योंकि वो एग्जाम डेट आते हैं तब बच्चे को किक मिलती है, थोड़ा सा ना फील आता है तब। चलो पढ़ाने वाले को भी आता है, ऑब्वियसली पढ़ने वाले के साथ साथ पढ़ाने वाले को भी आता है। खैर जी, मुद्दे की बात करते हैं।
पहला क्वेश्चन यार शुरू करें। चलो पेन कॉपी निकाल लेना। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके का, ऑप्शंस में आपको देता हूं। इसके ऑप्शंस हैं और इसका आंसर ना अप्रोक्सीमेट आएगा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। मैं पहले ही बता देता हूं ऐसा लिखा होगा, ठीक है? अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। आपके ऑप्शन है 2575, 2500, और यार कैलकुलेटर मत यूज करना कोई भी, ठीक है ना? क्योंकि सीमेंट में भी आपको कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, तो कूल नहीं बनना है कि अभी कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, सीमेंट में देखा जाएगा। कैलकुलेटर मत यूज करना, ठीक है? चलो सॉल्व करने का आंसर। अ ट्रेडर मार्क अ बुक 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड गिव अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट। इफ द ट्रेडर मेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 245 आफ्टर पेइंग द टैक्स ऑफ 20% ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो बताओ बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है? कुनिका, साहू, दीपांकर, कशिश, बहुत अच्छे। सत्यम, श्री, जया, ओके, जया, एक मिनट रुकना। आदिति, मीनू, बहुत अच्छे। शुभम, बहुत बढ़िया। टाइम लो यार, पूरे दो मिनट में दे रहा हूं, जल्दबाजी में गलत आंसर मत करो, ठीक है ना? पूरे दो मिनट में आपको दे रहा हूं, तो जल्दबाजी में गलत आंसर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? टाइम लो पूरा। सिर्फ 25% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया इसको। रानू, राज, गौतम, साहिल, शिवम, अनुराग, बहुत बढ़िया जी, सही। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो सिंपल सा प्रोसेस यह है सर इसको डील करने का, कि सर सबसे पहले कह रहा है एक ट्रेडर है जो मार्क करता है बुक को 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। यानी सर अगर मान लो, क्योंकि परसेंटेज आसान है, 100 मान के कर लो कि सर सीपी अगर 100 है तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 140 हो गया, क्योंकि 40% ऊपर रखा है। फिर सर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 140 पे अगर आप 20% का डिस्काउंट दोगे तो 28 का डिस्काउंट दिया, यानी सेलिंग प्राइस कितना हुआ इसका, दैट इज 112 रुपए। सही बात है ना, 112 रुपए। अब यहां पर क्या कहता है, कहता है जो ट्रेडर है वो नेट प्रॉफिट कमाता है 245 का, जब वो ग्रॉस प्रॉफिट पे 20% का टैक्स देता है। 20% का टैक्स देने का मतलब है 1/5 का टैक्स देना। इसका मतलब सर, इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपका 5 रुपए हुआ है तो आपने उस पे टैक्स दिया 1 रुपए का, यानी आपका नेट प्रॉफिट है 4 रुपए का। सिंपल सी बात है जी। तो सर यहाँ पर 4 की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 245। अगर 4 की वैल्यू 245 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा भाई? 4 की वैल्यू 245, तो डायरेक्ट कनेक्ट तो हो नहीं रहा, डायरेक्ट नहीं हो रहा ना कनेक्ट। तो सिंपल रखते हैं सर, एक यूनिट की वैल्यू होगी 245 अपॉन में 4, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इनटू 5 कर दो। तो ये है कहीं ना कहीं आपका, दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है? ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। अब आप देखो कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा था, ये समझ में आता है ना सभी बच्चों को। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है? कि फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, मैंने 100 रुपए की टीवी 120 रुपए में बेच दी, मैंने 20 रुपए प्रॉफिट कमाया, पर मुझे टैक्स भी पे करना है, ठीक है? तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। मेरे हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है, मेरे हिसाब से जो ग्रॉस प्रॉफिट है दैट इज ऑफ 12 रुपए का। अब इस क्वेश्चन में 12 की वैल्यू ये है, ये दिख रही है आपको, ये 12 यूनिट की वैल्यू है, ये जो दिख रही है आपको ये 12 की वैल्यू है, और आपको बताना है 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो मेरे हिसाब से एक ही लाइन में लिख लो, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा आसानी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो पहले एक ही लाइन में लिखो, देन कैंसिल आउट करेंगे। तो 12 की वैल्यू ये है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 245 इंटू में 5 अपॉन में 4 इंटू 12, ये होगी एक यूनिट की वैल्यू। सही बात है, अगर 12 यूनिट की वैल्यू ये है तो एक यूनिट की वैल्यू अपॉन में 12 आएगा। आपको बताना है सीपी, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, अगर आपको सीपी बताना है। उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को समझ में आ गया होगा, इजी था, राइट? ये आपका सीपी है, सीपी बताना था ना, हाँ सीपी बताना था। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, 4 इसको कैंसिल आउट कर देगा 25 पे,
और ये 12 ना इसको कैंसिल आउट कर देगा 2 पॉइंट समथिंग पे, अभी 2 पॉइंट समथिंग ही रहने दो। आप 245 को 5 से करोगे कितना आ जाएगा, 45 5 का 225 होता है, तो यहाँ पे 25 2 कैरी चला गया और ये कितना हो गया आपका 10 और 2 12 हो गया, तो 12 25 तो ऐसे ही बन रहा है, मल्टीप्लाई करोगे 2 पॉइंट समथिंग तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 2450 समथिंग, 2450 समथिंग। तो नियरेस्ट ऑप्शन जो है आपका दैट वॉज 2552, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, हाँ इतना अप्रोक्स नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ही अप्रोक्सीमेट कर दिया मैंने इसको, थोड़ा ज्यादा ही अप्रोक्सीमेट हो गया। कितना था हमारा मल्टीप्लाई 100 था ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 था और अपॉन में कितना था 4 और 12 था, है ना, 4 इसको कैंसिल आउट करेगा कितने पे हमारा, दैट इज 4 कैंसिल आउट कर देगा 25 पे, काम करो मल्टीप्लाई ही कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, 25 का 5 2, 20 2 22 का 2 2, ये 12 25 तो ये हो गया, उसमें 25 मल्टीप्लाई कर देना, 625 का 25 6 कैरी चला जाएगा, ये 300 और ये हो जाएगा 306, तो ये हो जाएगा 30625 डिवाइडेड बाय 12, तो अप्रोक्सीमेट आंसर 2552 पे आप पहुंच जाओगे, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, इजी था। प्रॉफिट में टैक्स इंक्लूड नहीं होता, नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है ना कि अगर एज अ शॉपकीपर मैं 100 रुपए की चीज 120 की बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने 20 रुपए आपसे कमा लिए, पर मैं टैक्स भी तो पे करूंगा ना गवर्नमेंट को, तो जो मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, मान लो 20% में टैक्स दे रहा हूं, तो जो बचा दैट इज द नेट प्रॉफिट, ठीक है, 100 मैंने सीपी लिया पूनम, डन। नेक्स्ट पे आते हैं, हाँ अभी शुरू हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, ऑप्शन है आपके 4.5%, 5.5%, 6.67% या 3.33%। SI on a sum of money is 11.11% of the principal or and the rate percent per annum is equal to the number of years. तो बताइए कि rate percent क्या है? कुनिका, शाहू, आकांक्षा, बहुत अच्छे। अजीत, सत्यम, श्रेया, शर्मिला, साक्षी, कपिल, मलार, अजय, सही। श्री, अशिका, अभिषेक, शिवानी, मीत, शौर्य, नेहा, संध्या, जिष्णु, शंकर, आदित्य, शिवम, सही है, काफी बच्चों, इसका 52% बच्चों ने सही आंसर दिया। देखो एक चीज ना ये भी देखते हो चलना कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो ये भी देखना उसे कितने परसेंट बच्चों ने करेक्ट दिया, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया और अगर वो क्वेश्चन सिर्फ 25% बच्चों ने किया दैट मीन्स वो थोड़ा सा शायद मुश्किल था। आप मेरे हिसाब से मत जाओ कि मैं बोलूंगा मुश्किल है तो मुश्किल है, आप देखते रहो ना साथ साथ पोल भी देखते रहो। अब जैसे इस क्वेश्चन का आंसर 50% बच्चों ने करेक्ट दिया है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, डुएबल है, मतलब किया जा सकता है, डन। और किसी क्वेश्चन का आंसर अगर करीब से 15-20% बच्चे ने दैट मींस वो थोड़ा डिफिकल्ट है एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो इस हिसाब से थोड़ा जजमेंट को रखना अपनी। बशित, राहुल, पूनम, राजश्री, आपने दे दिया अनुभव आंसर, अनुभव मैं बोलना भूल गया ना, अनुभव को बड़ा हर्ट होता है सर मैंने सही आंसर दिया, नाम नहीं ले रहे हो आप मेरा, सबके नाम लिए जा रहे हो। खैर जी, 11.11% का फ्रैक्शन कितना होता है, फटाफट चैट के थ्रू बता दो, 11.11% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/9 होता है। इसका मतलब यह हुआ सर कि प्रिंसिपल अगर आपका 9 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 रुपए, ठीक है। अगर आपको एक्स लिखना है तो आप लिख लो कि अगर ये 9x है तो ये 1x है। फॉर्मूला सबको पता है कि सर SI इज इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100, ये फॉर्मूला सबको पता है सर। सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए है, प्रिंसिपल आपका 9 रुपए है। सर क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेट है और जो नंबर ऑफ ईयर है वो सेम है, आपको निकालना रेट है तो रेट तो आर, एक काम करो टी को भी आर लिख दो, क्यों, क्योंकि टी और आर आपस में इक्वल है और अपॉन में आ गया आपका 100 आ गया, तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 100/9 आ गई, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि 100 10 का स्क्वायर होता है और 9 3 का होता है, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 3.33 आएगी, डन है जी बात, क्लियर है, उम्मीद है कि अब इससे आसान क्या ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको ट्राई करना। ऑप्शन से आपके 10,
50, 40 या 20? दीपांकर बहुत अच्छे हैं। तुषार सही है। श्रेया रजन बहुत बढ़िया। सही है, 40% के अराउंड बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 60 kg। एक क्लास है जिसमें एवरेज वेट 60 kg है, फिर एक ग्रुप आता है 40 बच्चों का, उनका एवरेज वेट 75 है, और उसके बाद जब मैं एवरेज वेट निकालता हूँ पूरी की पूरी क्लास का तो दैट इज 70 kg। तो बताओ इनिशियल नंबर। तो क्लियर, कितने बच्चों को देखते क्लिक हुआ कि सर ये तो एलिगेशन का क्वेश्चन है, क्लिक हुआ। जब भी आपके सामने एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है, स्पेशली एक कैटेगरी की एवरेज, एक कैटेगरी की एवरेज और फिर मिक्स एवरेज, तो वो एलिगेशन होता है, बहुत डायरेक्ट होती है चीजें। अब एक क्लास है, ठीक है, उसमें 60 kg एवरेज वेट है, उसमें नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं सर मुझे नहीं पता, एक्स मान लो। सर उसके बाद आते हैं 40 बच्चे, क्वांटिटी नीचे आती है, उनका एवरेज वेट कितना है सर 75 kg है। फिर सर इन दोनों कैटेगरी को जब आप मिक्स कर देते हो तो एवरेज वेट कितना है 70 kg है। सर जब क्रॉस में माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ क्रॉस में माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो सर ये 1 से 2 का रेशो हो गया। अब 2 की वैल्यू कितनी है 40 है, तो सर 1 की वैल्यू कितनी होगी इंटू 20 कर दो यानी कि 20 होगी, तो सर इसका आंसर 20 है। ठीक है, एलिगेशन का बहुत ज्यादा डायरेक्ट है, एक कैटेगरी की एवरेज, एक कैटेगरी की एवरेज देन कंबाइन एवरेज, तो बस एलिगेशन डन है, इजी, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, इसको ट्राई करना। ऑप्शन है आपके दैट इज 60, 40, 50 या 55। एक बकेट है जिसमें कि अल्कोहल और वाटर इन द रेशो 3:2, अब उसमें 20 लीटर वाटर आप ऐड कर दो टू दिस सॉल्यूशन, रेशो बिकम 2:3। फाइंड द फाइनल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द कंटेनर। बच्चे मतलब एलिगेशन, मतलब इसका मतलब मिक्सचर का ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो काफी बच्चों के लिए काइंड ऑफ फ्री के नंबर है। चलो और कौन कौन से बच्चे, पुष्पांजल, श्रेया, मिथिलेश, शिवम, एक सेकंड, अनुभव ने तो आंसर नहीं दिया ना, कहीं मैं नाम बोलना भूल गया।
है, बहुत बच्चों के आंसर आए लेकिन अनुभव का आंसर नहीं आया है, ठीक है, तो अनुभव पे मेरा मेन फोकस रहेगा। खैर जी, और किसी का आंसर? फिफ्टी परसेंट बच्चे जाते आते 50% हो गए। कोई तो यहां पर ध्यान देते हैं कि सर एक बकेट है, अल्कोहल और वाटर है, रेशो 3:2, ठीक है जी, अल्कोहल वाटर रेशो 3:2 सर, शुरुआत में रेशो 3:2 है। फिर आपने क्या किया सर, आपने ना इसमें 20 लीटर क्या ऐड करा, पानी ऐड करा, तो रेशो कितना बन गया सर, 2:3 बन गया। मुद्दे की बात क्या है कि सर आपने ऐड किया वाटर, अब जब ऐड किया वाटर तो सेम क्या रहना चाहिए, अल्कोहल ना, जब आप इसमें वाटर ऐड कर रहे हो तो अल्कोहल क्या होगा, सेम होगा, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, जबकि सेम होना चाहिए, तो इसको सेम करने के लिए आप क्या, पेन कैसे चल रहा है मेरा, एक मिनट रुकना। ओके, एक मिनट देना बस, तो मुद्दा ये था कि सर यहाँ पर शुरुआत में रेशो कितने का है, 3:2 का, बाद में रेशो है आपका 2:3 का। ओके, तो सर क्योंकि इसमें पानी ऐड हो रहा है तो दोनों केस में अल्कोहल सेम होना चाहिए, तो सर अल्कोहल को सेम कर लो, कैसे से, एक मिनट यार क्या बकवास है। ओके, सेम कैसे करेंगे, तो सर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर की तरफ आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, अल्कोहल से वाटर कितना हो जाएगा सर, ये 6:4 हो गया, और सर ये 6:9 कितना हो गया, 9 हो गया। देन यहां पर अगर हम देखें तो मैंने रेशो वाइज मैंने वाटर कितना ऐड करा है, तो सर रेशो वाइज आपने 5 यूनिट वाटर ऐड करा, और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 20 लीटर है, तो सर मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 4, यानी ये जो भी आपको रेशो में दिख रहा है ना, इसे एग्जैक्ट डेटा पे लेके जाना, 4 मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने कहा फाइनल, अच्छा यहां मुझे लगता है बच्चे गड़बड़ कर गए सिलिंग स्टेक, मैंने फाइनल क्वांटिटी पूछी हुई है, तो फाइनल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी सर, फाइनल क्वांटिटी है 9 और 6 15, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई होगा 4, तो सर आंसर आएगा 60 लीटर, राइट ना, आई गेस 50 कर रहे होंगे काफी बच्चे, राइट, ऐसी कुछ गड़बड़ ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, इसको ट्राई करना आप लोग, आपके ऑप्शंस हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब चलो बाद में बात करूंगा, पहले आप ट्राई करो। ऑप्शन है 15 रे, ओके, ऑप्शन है 15:34 एंड 5:13, 3:7 एंड 4:1। सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे कपिल, ऐसे ही आएंगे, 15:34, 5:13, 3:7, 4:9, ठीक है, इसको एक बार ट्राई करना। ट्राई करना एक मिनट, मैं कितने बच्चों के आंसर आ गए, जय सर
संदेश श्रेया, बढ़िया। ये क्वेश्चन यार, इसका ना जो रीजन मैं बताऊंगा, रीजन अच्छे से सुनते हुए, ठीक है, अच्छे से रीजन को समझते हुए इस क्वेश्चन को डील करना, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको रीजन क्या है इसका। सर F0 वाले क्वेश्चन कैसे करें, करता हूं मैं। क्या बोला? ओके, चल, थोड़े से कम बच्चे हैं और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, सही बात है ना। मैं बताता हूँ इसको कैसे डील करना है, ध्यान से सुनना बात को। थोड़ा सा विद रीजन बात करेंगे इस पे। देखो, कहता है रेशो ऑफ अर्निंग ऑफ अमन एंड अजय इज 2:5। आप तरीके से क्या बोलोगे कि सर अमन की सैलरी 2x है, अजय की सैलरी 5x है, सही बात है ना। ऐसे बोलोगे सर ये 2x और ये 5x। सर अमन को इंक्रीमेंट मिलता है 2 लाख का, तो सर इसमें ऐड कर दो 2, और सर अजय को इंक्रीमेंट मिलता है 4 लाख का, तो सर इसमें ऐड कर दो आप 4। डन। अब ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द न्यू रेशियो। अब नया रेशियो क्या नहीं हो सकता, तो पहली बात तो ये है नया रेशियो, सही बात है। एक बार चैट के थ्रू बता देना सभी बच्चे कि जो नया रेशियो होगा वो ये होगा 2x+2/5x+4। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत अच्छे। अब एक बात सुनो, जो आपके एक्स की वैल्यू है, जो राइट नाउ एक्स की वैल्यू है, वो कहां से कहां तक मूव कर सकती है? जो एक्स की वैल्यू है वो कितने से कितनी हो सकती है? सर एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के इनफाइनाइट हो सकती है, सही बात है ना। सर एक्स की जो वैल्यू है वो 0 to इनफाइनाइट हो सकती है, वैलिड है, क्योंकि एक्स क्या है, एक फैक्टर है, जिससे ये अजय और अमन की सैलरी को इनिशियली आपने कितने से काटा होगा, दैट इज एक्स। इनका आई वुड से एचसीएफ 2 और 5, जो भी अमन और अजय की इनिशियल सैलरी थी उसका एचसीएफ है एक्स, और एक्स की वैल्यू 0 to इनफिनिटी हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं बोलूं कि यार इसकी मिनिमम वैल्यू, क्या यार, 1 मिनट, ओके। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, तो आप कहोगे सर इसकी अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप एक्स की जगह 0 डाल दो। आप एक्स की जगह 0 डालोगे, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। 0 डालने पे इसका आंसर कितना आएगा? तो एक्स की जगह 0 डाला और इसका आंसर कितना आएगा, दैट इज 2/4, यानी कि 1/2। तो ये इसका मिनिमम आंसर है। कोई डाउट तो नहीं किसी भी बच्चे को? कोई डाउट नहीं, पक्का? बहुत बढ़िया। अब आगे सुनना। और अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप एक्स की जगह क्या करना, इनफाइनाइट पुट कर देना कि सर मैं एक्स की जगह इंफिनिटी पुट कर दूंगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आप सबको पता है कि ये इनफाइनाइट कब आता है? जैसे मान लो 5 के अपॉन में 0 लिखा है, तो हम लोग कहते हैं ना आंसर इनफाइनाइट आएगा, यही तो बोलते हैं। अगर एक्स अपॉन 0 तो हम लोग कहते हैं आंसर इनफाइनाइट होगा, राइट। इन शॉर्ट, अगर कोई कह रहा है कि एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट है, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि एक्स की वैल्यू 1/0 है। इसका मतलब यही हुआ, कोई कह रहा भाई x की वैल्यू इनफाइनाइट है, इसका मतलब x की वैल्यू 1/0 है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, बढ़िया। अब यहां पर होता पता क्या है, तो हम लोग यहां से एक बात ये निकालते हैं कि अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो इट इंप्लाइज कि x की वैल्यू 1/0 होगी, एंड इट इंप्लाइज कि 1/x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, पक्का ना। ध्यान से सुनना, मैंने बोला अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो x की वैल्यू बेसिकली 1/0 है, इसका मतलब 1/x की वैल्यू 0 होगी, सही है? ओके, 1/x की वैल्यू 0 होगी। अब यहां आप x में नहीं पुट कर सकते, आपको 1/x करना होगा। तो 1/x करने के लिए आप क्या करोगे कि जो 2x+2 है और जो अपॉन में मैंने 5x+4 लिखा, आपको अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट यूज करनी है तो x अपॉन में होना चाहिए। यहां तो मल्टीप्लाई में, मतलब यहां न्यूमरेटर में दिख रहा है 2 × x है, जबकि x अपॉन में होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सभी टर्म को उठा के एक्स से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे सबको एक्स से डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 2+2/x, और ये कितना हो जाएगा, 5+4/x हो जाएगा। अब अगर एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट है तो इट इंप्लाइज कि 1/x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2/x 0 हो गया यानी कि 2 आएगा, और 4/x 0 हो गया यानी कि 5 आएगा। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब इसका जो रेशियो है ना वो 1/2 से 2/5 तक होगा। मींस 0.1/2 का मतलब होता है 0.5 से लेकर के कहां तक जाएगा,
0.4 तक जाएगा, मतलब उल्टा बोल रहा हूं मैं, 0.4 से 0.5 तक जाएगा, ठीक है ना। क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार चैट के थ्रू बताना, एक बार चैट के थ्रू बताना। तो ऑब्वियसली ये इसकी मिनिमम नहीं, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये मैक्सिमम नहीं, ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, ये मिनिमम है। अब मुझे एक बात बता दो, ये क्लियर हो गया सभी को? दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं? बहुत बढ़िया। अब आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में से बताना था, आपको यहां थ्रू द ऑप्शन बताना कि भाई कौन सा ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द न्यू रेशियो, जो नहीं हो सकता। अब मैंने आपको ऑप्शन दिए थे, एक मैंने लिखा था 15/34, एक मैंने लिखा था 5/13, एक मैंने लिखा था 3/7, एक मैंने लिखा था आई गेस 4, नहीं बाय क्यों लिखा हूं मैं, एक मैंने लिखा था 15:34, और एक मैंने लिखा था 5:13, एक मैंने लिखा था 3:7, एक मैंने लिखा था 4:9, ठीक है। और इसको हटा दो, कुल मिला के बात यह है कि सर जो इसकी वैल्यू है वो 1/2 से 2/5, इनके बीच का कोई नंबर होनी चाहिए, इनके बीच का कोई नंबर, राइट। अब आप चेक कर लो, अगर आप यहां पर चेक करो, फॉर एग्जांपल 15/34 करो, कोई बच्चा बताएगा क्या आंसर आएगा, लगभग अंदाजन क्या आंसर आएगा इसका? तो सर इसका इसका आंसर जो है, जैसे ये तो सर 0.5 है और ये कितना था हमारा 0.4 था, इसका आंसर ना सर कुछ जाएगा, जैसे अगर यहाँ जीरो कर दूं मैं तो सर इसका आंसर हो जाएगा 34 है ना, 0.44, तो सर ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अच्छा अगर मैं 5/13 कर दूं, इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो सर इसका आंसर होगा 0.3 समथिंग, तो सर ये आंसर नहीं हो सकता, तो बाकी दोनों होंगे ही होंगे, ठीक है, क्लियर है बात? सभी को समझ आया अच्छे से? मतलब राज कर सकते हो, बाय ऑप्शन कर सकते हो, लेकिन राज ये भी तो समझना है ना, अभी जो मैंने बात बताई ये भी तो थोड़ी मजेदार बात है ना, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको विद रीजन समझाया है, ठीक है, डन। आगे बढ़ो, मैं नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं मैं, इसको ट्राई करना। दो फ्रेंड है वगैरह वगैरह, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन है इसके 11 AM, अगला ऑप्शन है 11:40 AM, अगला ऑप्शन है 11:25 AM, और अगला ऑप्शन है 12 PM। सर कोई और मेथड सर करता हूं, यश मैं इस पे बात, पहले तब तक इसका आंसर करो, आपने जो बोला अभी मैं उस पर बात करता हूं, पहले इसका आंसर करो। दो फ्रेंड है अमित और अंकित नाम के, स्टार्ट फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी एट 9 AM, ईच ऑफ देम आफ्टर रीचिंग बी इमीडिएटली रिटर्न बैक टू ए, जैसे वो बी पे पहुंचते हैं फिर वो ए की तरफ वापस आते हैं। अगर अमित को लगते हैं 4 घंटे और अंकित को लगते हैं 8 घंटे फॉर द एंटायर जर्नी, तो आपको बताना है देन एट व्हाट टाइम डिड दे क्रॉस ईच अदर। ओके, थर्टी 1% बच्चों ने आंसर दिया है। नेहा, जिष्णु, प्रियंका, सिद्धु, दिव्यानी, देखो एक मैं बात बता देता हूँ यश, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला ना, अब आपको ध्यान रखना यश, अगर बाय चांस ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो अभी तो आपको समझाने के लिए मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप सिंपल ये लिखो कि 2x+2 और अपॉन में 5x+4 था ना, तो जो भी इसका आंसर होगा
पहले तो कांस्टेंट नंबर उठा लो, यानी कि 2 और 4, तो 2 बाय 4 यानी कि 1 बाय 2 बोले तो 0.5। उसके बाद आप x के कोफिशिएंट्स उठा लो, यानी कि 2 और 5, तो 2 अपॉन 5 यानी कि 0.4। तो जो भी आंसर होगा वो इनके बीच का नंबर होगा। ठीक है यश, बात समझ आ गई? अभी तो आपको समझाना था ना। अब देखो मैं ये चीज डायरेक्ट बोल दूं तो आपको समझ आएगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप। अगर मैं ऐसा आपको डायरेक्ट बोल दूं कि यार 2 अपॉन 4 से 0.5 और 2 अपॉन 5 0.4 इसके, हालांकि पॉइंट तो यही है, एग्जाम में करना यही है डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा रीजन भी समझाना पड़ता है ना कि ऐसा क्यों। अब आपको रीजन समझ आ गया तो एग्जाम में इतना टाइम पास मत करना, सिंपल रखना कि 2 बाय 4 यानी कि हाफ बोले तो 0.5, 2 बाय 5 0 मतलब इनके बीच का आंसर होगा। ठीक है यश, ओके। अब यहां पर बात करते हैं, जैसे मिनिमम के लिए नहीं, मैंने पॉइंट रखा कि एक्स की वैल्यू जो होगी, यहां पर जो आप एक्स ले रहे हो वो क्या है, इन दोनों का एचसीएफ है, तो एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के इनफाइनाइट हो सकती है। तो पहले मैंने इसमें 0 पुट करा और देखा क्या आंसर आएगा, फिर मैंने इनफाइनाइट पुट किया और देखा क्या आंसर आएगा। तो वो जो दो वैल्यूज आएंगी ना, उनमें एक वैल्यू मैक्सिमम होगी एक मिनिमम होगी, वो आप क्रॉस चेक कर लेना चाहते थे। ठीक है कोई बात नहीं यार यश, कोई बात नहीं, चलता है, बस पूछ लिया करो चैट में, मुद्दे की बात करते हैं। क्योंकि ऐप पर क्या है ना, ऐप पर जेन्युइन बच्चे आते हैं तो जो डाउट पूछते हैं उसमें इंटरेस्ट आता है। यूट्यूब पे आप लोगों ने भी देखा है, ठीक है, यूट्यूब का एक बड़ा ड्रॉबैक है, कोई भी आ जाता है उठ के, ठीक है, वो वेली बातें फालतू में इरिटेट करने वाली बहुत करते हैं। खैर मुद्दे पे आते हैं। दो फ्रेंड है अमित और अंकित, फ्रॉम स्टार्टेड फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी एट 9 AM एंड वगैरह वगैरह। ठीक है देखो सिंपल सी बात मुझे समझ में आ रही है कि भाई अमित इस जर्नी को 4 घंटे में कंप्लीट करता है और अंकित इस जर्नी को 8 घंटे में करता है। तो मैं डिस्टेंस कोई एक, आपको लगता है यार कि सर डिस्टेंस अपने मन से कोई नंबर ले लो, क्योंकि एनीवे डी से डी तो कट ही जाएगा। क्या लगता है डिस्टेंस क्या लूं, आप बताओ आपके हिसाब से क्या डिस्टेंस लूं मैं ए से बी का डिस्टेंस? 100। अरे सोच को छोटा करो राज, कोई छोटा मोटा नंबर बोल दे यार, इतना बड़ा नहीं। 8 ले लो, 16 ले लो, मर्जी है, ठीक है, नहीं 10 नहीं, ऐसा नंबर लो ना जो 4 और 8 से डिवाइड होता हो। ठीक है 8 ले लेते हैं, चलो 8 ले लेते हैं। तो डिस्टेंस एक काम करते हैं, यानी कि जो डिस्टेंस है ए से बी का, ये एक बच्ची ने 16 भी लिखा तो चलो 16 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं। ठीक है अगर मैं डिस्टेंस ले लेता हूं कि भाई ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 16 है। ठीक, अगर ए से बी का डिस्टेंस 16 है तो यार अमित की स्पीड क्या है, तो यहां पर अमित की स्पीड कितनी है, ए से बी का डिस्टेंस मैं 16 ले रहा हूं, ठीक है, तो अमित जो है ना वो आना और जाना, इसने क्या बोला, अमित को 4 घंटे और इसको 8 घंटे लगते हैं पूरी जर्नी में, और पूरी जर्नी क्या, आना जाना, ठीक है, जाना भी है और आना भी है। तो अमित क्या करता है, 32, क्योंकि मैंने ए से बी 16 लिया है तो 32 का डिस्टेंस 4 घंटे में कंप्लीट करता है, स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं बात करूं अंकित की, तो जो अंकित है, अंकित की स्पीड क्या होगी सर, 32 अपॉन में 8 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। सही है जी बात, आई होप क्लियर है। ठीक है अब हुआ क्या कि दोनों ने यहां से भागने स्टार्ट किया, अब दोनों ने भागने स्टार्ट किया, अब देखो सिंपल सी बात है 4 घंटे में वो आना जाना पूरा कर लेता है, तो मैं सिंपल ये बोल सकता हूँ मैं सीधा 11 बजे पे जाता हूँ, मैं सिंपल सा 11 बजे चेक करता हूँ कि अब 11 बजे क्या होगा, 11 AM अगर मैं बात करूं, 11 AM, क्योंकि जो अमित है वो 4 घंटे में पूरी जर्नी कर लेता है, यहां से निकले थे 9 बजे, दोनों निकले 9 बजे, तो सीधी बात है कि जो हमारा अमित है वो 11 बजे यहां पर होगा ना, 11 AM अगर मैं बात करूं, 11 AM तो 11 AM पर जो अमित है वो यहां पर होगा, क्यों, क्योंकि सर वो आना जाना 4 घंटे में कर लेता है, तो 2 घंटे में वो यहां पर पहुंच गया होगा। सही बात है, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को कि सर 2 घंटे में अमित यहां पर होगा। अच्छा अंकित कहां पर होगा, 2 घंटे में अंकित कहां पर होगा, तो सर अंकित की स्पीड है 4, 9 से 11 2 घंटे, तो 2 × 4 यानी कि 8 किलोमीटर, तो अंकित ना सर यहां पे कहीं होगा, अंकित यहां कहीं होगा, मतलब आधे डिस्टेंस पे, यहां से यहां इसने 8 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। डन, अब ये दोनों क्या होंगे, अब अंकित चल रहा है इधर और अमित आ रहा है इधर, मतलब एक दूसरे की तरफ, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको, इनके बीच में डिस्टेंस कितने का सर, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इनके बीच में डिस्टेंस है 8 का डिस्टेंस है, इसकी स्पीड कितनी है 8 और इसकी स्पीड है 4, अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगी, तो स्पीड हो जाएगी 12, तो टाइम कितना लगेगा सर, 2/3 आवर्स लगेंगे, और 2/3 आवर्स का मतलब होता है 40 मिनट, तो 11 बजे के बाद 40 मिनट और लगेंगे, यानी कि 11:40 AM। डाउट क्लियर है, कोई डाउट दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, समझ आया? राज, नवजोत, जो भी बच्चे हैं सबको क्लियर हुई बात, इजी था, ठीक है कोई बात नहीं। एकता सर समझ नहीं आया, देखो एकता सिंपल सी बात है, अमित जो है ना वो आना और जाना, आना जाना
4 घंटे में करता है, और जो अंकित है वो आना जाना 8 आवर्स में करता है। मैंने क्या किया मुस्कान, यहां पर देखना। सबसे पहले मैंने डिस्टेंस को 16 क्यों लिया, ये क्लियर है? आप 16, 8 कुछ भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? आपका मन है, आप चलो डिस्टेंस इसमें 8 किलोमीटर ले लो। लास्ट टाइम मैंने 16 लिया, तब की बार 8 किलोमीटर ले लो, 8 ले लेता हूं, ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो स्पीड क्या आएगी अमित की स्पीड कितनी होगी? तो सर अमित क्या करता, अगर आप डिस्टेंस 8 ले रहे हो तो अमित जाना और आना 4 आवर्स में करता। आना जाना मतलब 16 किलोमीटर, 4 घंटे में कवर करता है। स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। सर अगर स्पीड की बात करें अंकित की, तो अंकित की स्पीड क्या है? सर आना जाना 16/8, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है सर अंकित की। मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूं, जो मुझे काम, देखो कुछ चीजें ना डायरेक्ट सॉल्व किया करो। जैसे यहां से दोनों 9 बजे निकले थे, 9 बजे दोनों ने भागना शुरू किया था, अमित और अंकित ने। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अमित है ना, वो 4 घंटे में जाना और आना दोनों करता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 11 AM, कितना 11 AM पर, अगर मैं 11 AM पे क्यों कर रहा हूँ कैलकुलेशन, क्योंकि इतना तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। क्योंकि होगा क्या कि अगर आप यहां पर देखो, अमित तेज भाग रहा है क्योंकि वो 4 घंटे में आना जाना कर लेता है, तो ये अमित ऐसे भागता हुआ गया, ये अमित ऐसे भागता हुआ गया, और इसको छू करके जब वापस आ रहा होगा, बी से जब वापस आ रहा होगा, तो ये रहा अंकित। अंकित ने भी 9 बजे भागना शुरू कर दिया था, पर क्योंकि वो स्लो भागता है तो ये दोनों यहां पर रैंडमली कहीं बीच में मिले, ठीक है? तो मेरा कहना है कि सबसे पहले आप ये देख लो कि सर ये जो है ना, ये टोटल डिस्टेंस कितना है ना, कि सर सबसे पहले ये देख लो कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है यहां से, कि ये जो ए से बी कितने बजे पहुंचा होगा, 11 बजे। अमित की बात करूं तो ये यहां से यहां 11 बजे यहां पर पहुंच गया होगा, 11 AM, राइट ना, क्योंकि वो 4 घंटे में आना जाना कर लेता है। तो 11 AM वो यहां पर पहुंच गया होगा बी पॉइंट पर, 11 बजे बी पॉइंट पर होगा। और जो दूसरा लड़का अंकित है वो कहां पर होगा? तो सर 9 से 11 मतलब 2 घंटे, और इसकी स्पीड है 2, तो 2 घंटे × 2 यानी कि 4 किलोमीटर, वो यहां कहीं होगा, यहां पर होगा मान लो अंकित, ठीक है? और अमित है यहां पर 11 बजे। अच्छा, ये 4 किलोमीटर ट्रैवल करता है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर है। पूरा ट्रैक है 8 किलोमीटर का, तो अगर ये 4 है तो ये वाला हिस्सा भी कितना होगा सर, 4 होगा। अब सर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अंकित ऐसे जा रहा है और अमित ऐसे आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो सर ये हो जाएगा 4 किलोमीटर, इनको आपस में मिलना है 4 किलोमीटर। उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है सर? एक की है 4, एक की है 2, तो 4/6 आवर्स। 4/6 आवर्स मतलब कैंसिल आउट कर लेना 2/3, और 2/3 आवर्स का मतलब होता है 40 मिनट। अगर आप मल्टीप्लाई 60 कर दो तो 40 मिनट आ जाएगा, ठीक है? तो बस 11 बजे के बाद 40 मिनट और लगेंगे, 11:40 हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। डन है, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा एक मिनट रुको यार, मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी आसान हो सकता है। इसमें इनकी स्पीड किस रेशो में, इनकी स्पीड 1:2 से 1 के रेशो में है ना, इनकी स्पीड 2:1 के रेशो में, तो ये अपना 2:1 के रेशो में है, तो डिस्टेंस भी 2:1 के रेशो में, क्योंकि दोनों 9 बजे चले और सेम टाइम पर मिलेंगे, तो टाइम सेम है। अब जो स्पीड का रेशो है वही डिस्टेंस का रेशो होगा, है ना? तो 16, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है? 3 की वैल्यू 16। इस वाले से भी कर सकते हैं यार, नहीं, वो रूट वाला नहीं, आप इसमें ये भी सीधा सा थॉट लगा सकते हो अपना, अगर इसको डील करना है, पर डिस्टेंस लेट करना पड़ेगा। अगर आप ए से बी का जो डिस्टेंस है, कुछ भी ले लो 8, 16 जो भी, तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, ए से बी का, अगर आप वो ले लेते हो, लेट से 8 किलोमीटर ले लेते हो डिस्टेंस, आपने 8 ले लिया। अब देखो दोनों 9 बजे निकले हैं, अब दोनों 9 बजे निकले, अमित ऐसे भागता हो गया, टर्न लेकर वापस आया तो अंकित से मिला। द पॉइंट इज 9 बजे दोनों भागे, और फिर उसके बाद ये मान लो मिले, जैसे क्वेश्चन का आंसर हमें बताया 11:40, या मान लो 11 बजे, 9 बजे भाग के 11 बजे मिले। मुद्दा ये है कि दोनों सेम टाइम के लिए भागे, दोनों सेम टाइम के लिए भागे, सही बात है? अब एक बात बताओ, दोनों का टाइम सेम है, खैर एक बात बताओ, अगर अमित एक जर्नी को 4 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं और अंकित एक जर्नी को 8 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये जो टाइम ले रहे हैं, ये जो टाइम ले रहे हैं, वो टाइम 1:2 के रेशो में है। तो जो इनकी स्पीड होगी दोनों की, तो जो दोनों की स्पीड होगी, किसकी, अमित की और अंकित की, जो स्पीड होगी वो किस रेशो में होगी, 2:1 के रेशो में होगी। अब मुद्दा ये है कि दोनों भागे सेम टाइम के लिए हैं। सेम टाइम के लिए मतलब क्या, कि सर यहां से देखो, मान लो सर ये अमित ऐसे भागता हुआ गया, ठीक है, और ऐसे क्योंकि वो तेज भागता है तो वो टर्न लेकर आ रहा है,
और सेम टाइम पे अंकित ने भी भागना शुरू किया था और दोनों यहां पर मिल गए। मुद्दा यह है कि सर दोनों सेम टाइम के लिए भागे, जब दोनों सेम टाइम के लिए भागे और स्पीड 2:1 के रेशो में है तो डिस्टेंस भी किस रेशो में होगा, 2:1 के रेशो में होगा। अब अमित ने ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये ग्रीन कलर वाला अमित का ट्रैक है और ये ब्लू कलर वाला अंकित का ट्रैक है, दोनों का ट्रैक मिल करके कितना डिस्टेंस हुआ चैट में बताना, जो अमित भागा है और जो अंकित भागा है दोनों टोटल कितना डिस्टेंस भागे, दोनों टोटल कितना भागे। दैट इज मैंने डी 8 ले रखा है ना, ए बी मैंने 8 ले रखा है, ए बी मैंने 8 लिया है तो 8 का डबल 16, तो मेरे हिसाब से टोटल डिस्टेंस कितना है रेशियो वाइज 3, और 3 की वैल्यू कितना है 16। अब आप कोई भी एक वैल्यू निकाल दो, कोई भी एक वैल्यू निकालो, जैसे इसको निकाल लो या तो अंकित को निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 16/3 आ जाएगा, कितना आ गया 16/3। इसका मतलब ये भागा 16/3 किलोमीटर भागा, 16/3 किलोमीटर इतना डिस्टेंस भागा है। उसकी स्पीड कितनी है, तो वहां पे सर स्पीड इसकी कितनी थी, 2 थी, है ना, स्पीड कितनी थी इसकी 2, क्योंकि ये 8 और 8 16, 8 घंटे में ट्रैवल करता है, स्पीड इसकी 2 है, तो 16/3 तो कितना बन जाएगा 8/3, तो इसको काटेगा 8/3 और 8/3 से आप सॉल्व कर लेना, दैट इज 2 घंटे 40 मिनट। अब 9 बजे के बाद अगर 2 घंटे 40 मिनट तो 11:40 होना ओवर टाइम, ठीक है, तो ये थॉट भी रख सकते थे। खैर मुद्दे पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको ट्राई करना। इसके ऑप्शन है आपके 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख। सर प्लीज रिप्लाई, राहुल किस बात का रिप्लाई, वो रूट वाला तब लगता है जब वो दिया होता है ना मिलने के बाद कितना टाइम लगा, कि दो बंदे ऐसे भागते हुए आ रहे हैं, फिर जब उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया तो एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद उन्हें अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे जाने में कितना टाइम लगा, ठीक है राहुल, कि क्रॉस करने के बाद इन्हें अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे जाने में कितना टाइम लगता है, उसका जवाब स्क्वायर रूट कर दो तो स्पीड का रेशो आता है। राहुल, दीपांकर, नितिन, श्रुति, बहुत अच्छे, राज, संध्या, स्वाति, शिवानी, शशांक, अनस, अधिरा, डिस्टेंस कांस्टेंट था तो इनवर्स नहीं, डिस्टेंस नहीं टाइम कांस्टेंट था, करण टाइम कांस्टेंट था, क्योंकि अगर मान लो करण आप और मैं गेम खेल रहे हैं, हम दोनों ने भागना है और सामने गेट है, गेट को छू करके वापस आना है, अब आप तेज भाग रहे हो, है ना, सेम टाइम पे हम दोनों ने भागना शुरू किया, अब क्योंकि आप तेज भागते हो तो आप उस गेट को छू करके जब वापस आ रहे थे तब मैं आपसे बीच में कहीं मिला, तो मान लो हम दोनों भागे नौ बजे भागने स्टार्ट किया और 10:30 बजे हम दोनों मिले, तो इसका मतलब हम दोनों 1.5 आवर के लिए भागे, ठीक है करण, तो वहां पर टाइम सेम था। ओके, सो यहां पे कई बच्चों के आंसर जो कि सही हैं, कितने बच्चों को क्लिक हो गया कि सर ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, एलिगेशन हो रहा सिंपल है, एक आदमी जो है इनकम टैक्स देता है आर परसेंट पे और 2 लाख पे आपने कितना टैक्स दिया आर परसेंट, फिर एट द रेट आर प्लस 10% फॉर इनकम एक्सीडिंग 2 लाख, मान लो मेरी इनकम जो है वो 2 लाख से ज्यादा है तो 2 लाख पे मैं आर परसेंट देता हूँ और 2 लाख से ऊपर जो इनकम है उस पर मैं कितना टैक्स देता हूँ आर प्लस 10% देता हूँ, और फिर जब मैंने कैलकुलेट किया कि भाई मैंने ओवरऑल कितना टैक्स दिया है तो दैट इज आर प्लस 5%, ये मेरा ओवरऑल, मेरी इनकम के 2 लाख पे आर परसेंट, बाकी पे आर प्लस 10%, तो सबको मिक्स कर दूं तो कितना आ रहा है आर प्लस 5%, बस यहाँ पर इसको कैंसिल कर देना, आर प्लस 5 में से आर माइनस करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा, है ना, आर प्लस 5 में से माइनस करोगे आर तो 5 आएगा, और अगर आप आर प्लस 10 में से माइनस करोगे आर प्लस 5 को तो माइनस आर माइनस 5 यानी यहाँ पर भी 5 आएगा, तो 5 से 5 कट गया 1:1, तो ये वाला आर परसेंट आप कितने पे दे रहे थे 2 लाख पे, ये आप दे रहे थे 2 लाख पे, मल्टीप्लाई 2 करना होगा, सेम 2 यहां कर देना तो 2 लाख। सर क्लिक तो हुआ लेकिन एक्साइटमेंट में गलत हो गया, कोई नहीं, ध्यान रखो, नेक्स्ट पे आ जाए, अगला क्वेश्चन आपके सामने,
इसका आंसर क्या होगा? मैं लिख देता हूं, रुक जाओ कि सर ये कौन सा क्वेश्चन है, रुक जाओ इसका आंसर है, देखो सर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेना, लॉग टू, मतलब मेरा टाइप करने का मन नहीं किया ऐसे, मैंने सोचा छोटा सा क्वेश्चन है क्लास में लिख दूंगा, लॉग टू 2048 इज इक्वल टू 1331 की पावर 4, देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने टाइप नहीं किया, कौन इतना दिमाग लगाए। नेक्स्ट पे आता हूं मैं, तो लॉग टू ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो आपको बताना है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी की वैल्यू क्या होगी। आपके ऑप्शन है ए की वैल्यू 2 कॉमा बी की वैल्यू 3, उसके बाद ए की वैल्यू 3। कुछ लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि तुम क्लास में बोल देते हो चीज डायरेक्ट कि मेरा मन नहीं किया इसलिए मैंने, मैंने कहा हाँ बोल देते हैं, बच्चे भी यार समझदार है समझ जाएंगे, नहीं मन हुआ सर का टाइप करने का, सोचा क्लास में लिख दूंगा, तो गलत क्या है इसमें। खैर जी 59/3 और बी की वैल्यू -47/3, ए की वैल्यू -10.33 और बी की वैल्यू 12.33। क्या ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 वगैरह वगैरह आपके सामने ये क्वेश्चन है। मोहक कह रहे हैं कि इसको टाइप करने से पहले सीमेंट खत्म हो जाता है, सही बात है मोहक, बस इसीलिए आलस किया मैंने। पिछला क्वेश्चन कौन से चैप्टर का था, उसे आप परसेंटेज में कह सकते हो, बस ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कहीं दिखेगा परसेंटेज में दिख सकता है। क्योंकि वैसे तो एक टिपिकल परसेंटेज का क्वेश्चन था ना, कि पहले 200,000 का आर परसेंट निकालना है, रिमेनिंग सैलरी मान लो एक्स है, तो एक्स का आर प्लस 5% इक्वल टू में, फिर 2+ x का आर प्लस, ऐसे करके है ना, तो होता वो परसेंटेज से। नहीं 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 शुरुआत में तो जय अटेम्प्ट मत करो, देखो जय जब आप एग्जाम दोगे, देखो डिपेंड करता है जय, अगर आपको लगता है कि आपका जो टारगेट है वो टॉप कॉलेजेस है, जैसे अभी एक बच्चे से बात हुई थी एंड ही वाज लाइक सर मेरे को सीमेंट में 70% आ जाए काफी है, ठीक है मैं एक फलाना कॉलेज के बारे में मेरा प्लान है तो मैं 70% आ जाए मैं खुश हूँ तो आप देख लो कि आपका आपकी उम्मीद क्या है। अगर आप टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो तो आपको पता है कि आपको 320 या 320 या 330 मार्क्स, या मार्क्स छोड़ो यार 100 क्वेश्चन आएंगे ना तो 100 में से आपके 80-85 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। अब आप जब एग्जाम दे रहे होगे आपको आइडिया तो लग जाएगा कि यार 85 तक तो मेरे हो रहे हैं, तो तुक्के बिल्कुल मत मारना, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मेरे 60 तक ही हुए हैं, ठीक है, तो मार लेना तुक्के, क्योंकि फिर तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि वैसे भी फिर तो रिजेक्ट ही होना है, तो फिर तुक्के मार लेना। बहुत बढ़िया राहुल, बस यही चाय देख के मैं खुश हो गया। चलो शुरू करें, देखते हैं यहाँ पे जवाब। इसको लॉग पढ़ाया था मैंने, सभी बच्चों ने लॉग की क्लास अटेंड करी थी ना, लॉग आप सबने देख लिया था, मतलब लाइव नहीं देख पाए होगे, रिकॉर्डिंग देख ली होगी, राइट। तो अब जरा इस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो जी यहाँ पर लिखा है, आप सबको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, कि जैसे मैं लिखा 2048 और यहाँ पे 2, तो हमें क्या बताना है कि 2 की कितनी पावर 2048 होता है। सबको पता है ना कि सर 2 की पावर 11 करने पे 2048 आता है, है ना, 2 की पावर 11 करने पे, तो इसका सीधा आंसर कितना हो जाएगा, 11 हो गया सर, ये 11 की पावर 1 है। सर 1331 क्या होता है, 11 की पावर 3 होता है, तो सर 11 की पावर 3 की पावर 4a+5b, तो मल्टीप्लाई कर दो तो 11 की पावर 3 मल्टीप्लाई करना 12a+15b, तो यहां से क्या आ जाएगा, जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो 12a+15b इज इक्वल टू 1। इधर बात करते हैं लॉग ए प्लस बी 2, ये तो मैंने आपको बताया था लॉग का बेस जब अपनी साइड चेंज करता है तो वो राइट हैंड साइड को अपनी पावर में ले लेता है, यानी यहां पर क्या होगा कि ए प्लस बी विल बी 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो एक इक्वेशन आ गई a+b = 4,
इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो ये हो जाएगा 12a प्लस में 12b इक्वल टू में 48 हो जाएगा। एलिमिनेट कर देना, जब आप एलिमिनेट करोगे 12a से 12a कट जाएगा और यहाँ पर 3b की वैल्यू माइनस का 47। आई थिंक एक ही ऑप्शन था ना जिसमें b की वैल्यू माइनस 47/3 थी। हाँ बस ठीक है, खत्म, फिर इतना कर लिया बस बहुत है, डन है। ओके राष्ट्री, अभी मैं देखता हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को, इसके इसको ट्राई करना एक बार। आपके ऑप्शन है 100 आवर्स, ठीक है, 120 आवर्स, 150 आवर्स और 160 आवर्स। देखो राष्ट्रीय, अभी ना ऐसे मैसेज कई बच्चों के हैं, ठीक है, कि मेरे पिछले 3 मॉक टेस्ट या पिछले 4 मॉक टेस्ट में एक पर्टिकुलर नंबर आ रहे हैं। अब अगर आपका 160 स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब आप 40 क्वेश्चन ही कर पा रहे हो। चलो थोड़े नेगेटिव मार्किंग भी कैलकुलेट कर लें तो कहीं ना कहीं 45 क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो। सही बात है राष्ट्रीय, या आप ऑन एन एवरेज 45 तक शायद करेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा देखो, 45 है, दैट मींस आपके क्वांट्स में भी काफी गलत हो रहे होंगे, है ना। ऐसा है नहीं है कि आप क्वांट्स में फुल स्कोर कर रहे हो या रीजनिंग में फुल स्कोर कर रहे होंगे, तो आपके क्वांट्स में भी काफी गलत हो रहे होंगे, रीजनिंग में भी काफी गलत हो रहे होंगे, राइट ना। तो आप एक बार वो टॉपिक देखो कि पिछले 3 मॉक टेस्ट में जो आपने दिए हैं, उन तीनों मॉक टेस्ट में क्या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के हर बार गलत हो गए या क्या लॉग के हर बार गलत हो गए, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा आप चेक करें राष्ट्रीय। हाँ, 40 अगर आपके क्वांट्स में, दैट मींस क्वांट्स में भी आपने 10 ही क्वेश्चन करे ना 20 में से, तो इट मींस आपके क्वांट्स का भी कुछ टॉपिक है जो रह रहे हैं, जो आपको परफेक्शन नहीं आ पा रही है। तो आप एक बार ना राष्ट्रीय मॉक टेस्ट तीनों में देखो कि यार जो भी 3-4 दिए कि कौन सा चैप्टर इससे पर्टिकुलरली मेरे क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, तो दैट मींस उस चैप्टर पे कमांड अच्छे से नहीं है। अगर आपने मेरी वीडियोस से उसे कंप्लीट कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं करा तो जाके कर लेना। और दूसरा, अगर आप कहते हो नहीं सर वीडियोस देख रखी हैं, तो थोड़ा सा कुछ नए क्वेश्चन ट्राई करो, यू नो अरिहंत वगैरह जो भी बुक होगी, अगर मान लो आपको लग रहा है कि यार मेरे क्या बोलूंगा परसेंटेज है, मान लो परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो थोड़े परसेंटेज के क्वेश्चन दोबारा ट्राई करो, राइट। नए क्वेश्चन मतलब मेरे नोट्स को मत रिवाइज करो, यानी कि मेरे नोट्स दोबारा रिवाइज करें तो फायदा नहीं है। फिर आप कुछ, अब नए क्वेश्चन से मेरा मतलब ये नहीं है, देखो कॉन्सेप्ट जो था वो तो मैंने सारा पढ़ा दिया, तो कॉन्सेप्ट वाइज आपको नया नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ी नई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, जिसमें कुछ नई स्टेटमेंट हो, मेरे ही क्वेश्चन को दोबारा मत कर लेना, ठीक है, उससे फायदा नहीं होगा अपना, क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, डन। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। और ऐसे ही करके आप एलआर में भी देखो कि आप एलआर में कॉन्टिन्यूसली कौन सा टॉपिक है जो मेरे बार बार गलत हो रहे हैं, ठीक है, और जीके में फिर कोई एक आधा सेक्शन आप उठाओ, ये सब चीजें थोड़ा सा एनालाइज करो। खैर, एक बार मुद्दे की बात करते हैं। प्रणव जो है, कैन डू अ वर्क इन कितना 10 days बाय वर्किंग 10 days वर्किंग 10 hours ईच डे, ठीक है। गौरव क्या कर रहा है जी, प्रणव का भाई है और वो 2/3 एफिशियंट है प्रणव से और वगैरह वगैरह, ठीक है। सबसे पहले एफिशियंसी पे बात कर लेते हैं। तो प्रणव और प्रणव का भाई यानी कि बी कह रहा है, गौरव जो है, अच्छा नाम दे रखा है गौरव, गौरव जो है प्रणव का भाई, वो 2/3 एफिशिएंट है प्रणव से, तो दिख रहा है 2/3 मतलब कम एफिशिएंट है, तो प्रणव की एफिशिएंसी 3 है, गौरव की 2 है। और ये पर आर एफिशिएंसी मान लो कि प्रणव 1 घंटे में 3 चेयर बनाता है, तो वो 1 घंटे में 2 चेयर बनाता है, ठीक है। अब कह रहे हैं प्रणव जो है वो 10 दिन में काम करता है बाय वर्किंग 10 आवर्स, तो मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूँ कि प्रणव 10 × 10 मतलब कि 100 आवर्स में पूरा काम करता है 100 आवर्स में। तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना है भाई, प्रणव 1 घंटे में 3 चेयर बनाता है, तो 100 घंटे में कितनी चेयर बनाएगा, 100 × 3 यानी कि 300, तो 300 टोटल वर्क है, राइट। फिर से हैंग हो गए सर, वॉइस आ रही है मेरी, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, हाँ सही है। तो टोटल वर्क 300 है। अब ये काम करवाना कैसे है, जैसे एफिशिएंसी है टोटल वर्क ले लिया, अब जैसा बोलेगा वैसा कर दो। उसने क्या बोला है, इफ टू ऑफ देम वर्क ऑल्टरनेटिवली फॉर एन आर ईच, तो बताओ कि काम कितनी देर में कंप्लीट होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, पर ऑल्टरनेट में ये तो बताया ही नहीं कि पहले कौन काम कर रहा है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं बताया है कि पहले कौन काम कर रहा है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले प्रणव की बात हुई है ना, तो आप मान के चलो कि पहले फर्स्ट आर में प्रणव काम करेगा, फर्स्ट आर प्रणव काम करेगा और कितनी चेयर बनाएगा, 3। फिर सेकेंड आर कौन काम करेगा, गौरव।
सेकंड आर में गौरव काम करेगा और वो चेयर बनाएगा दो। इस तरह से दो घंटे में चेयर बन गई पांच। आपको चेयर बनानी कितनी है? आपको चेयर बनानी है 300, मल्टीप्लाई करना होगा 60, सेम 60 यहां कर देना, 120 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। डन है, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन आधा अधूरा है, थोड़ा कंप्लीट लिखने दो मुझे। इफ p इज इक्वल टू q प्लस 1 इक्वल टू r प्लस 2 वेयर q इज द रिमाइंडर व्हेन दिस दिस डिवाइडेड बाय 25 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर प्लस q की पावर 1 प्लस p पे स्क्वायर है, ठीक है? फिर 1 अपॉन 1 प्लस q स्क्वायर प्लस r की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर प्लस q की पावर 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है? आपके ऑप्शंस है 7/6 p प्लस q प्लस r 1 अपॉन में p प्लस q प्लस r या फिर मोर देन 2 आंसर आर पॉसिबल, ठीक है? पहला है 7/6, दूसरा है p प्लस q प्लस r, तीसरा है 1 अपॉन p प्लस q प्लस r और चौथा है कि मोर देन 2 आंसर आर पॉसिबल, ठीक है? चलो ठीक है, तो 7/6 p प्लस q प्लस r, 1 अपॉन p प्लस q प्लस r और मोर देन 2 वैल्यूज आर पॉसिबल। यश, शुभम, दीपांकर, बहुत बढ़िया। संदेश, अश्मित, नीत, वैभव, शिवम, उमेश, सुकंता, रानू। हाँ, एक जगह स्क्वायर है, एक जगह पावर वन है। पी पे स्क्वायर क्यू पे वन, क्यू पे स्क्वायर आर पे वन, आर पे स्क्वायर क्यू पे वन, ठीक है? टोटल क्वेश्चन दीपांकर 11th क्वेश्चन चल रहा है, 20 क्वेश्चन है टोटल। हाँ हाँ, यही सब लेवल होंगे। अब ये क्वेश्चन मैंने रखा है, ये इसलिए रखा है क्योंकि कई क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। अब जैसे दिखने में लगता है ये क्या क्वेश्चन आया हुआ है, पर आप करोगे तो आप लगा अच्छा इतनी सी बात है, ठीक है? चलो देखें, तो यहां पर देखो बहुत ही, देखो एक बार बताओ, किसी भी नंबर को जब हम 25 से डिवाइड करते हैं, अगर किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड करते हैं तो कितना ही बड़ा नंबर हो उसके लास्ट में आता है 00 आएगा, या उसके लास्ट में क्या आएगा 25 आएगा, या उस नंबर के लास्ट में 75 आएगा, या फिर उस नंबर के लास्ट में 50 आएगा। अब मुझे फटाफट से एक बार बताओ, अगर मैंने कोई बड़ा सा नंबर लिखा और उसके लास्ट में 52 है और मैं उसे डिवाइड कर रहा हूँ 25 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? एक बड़ा सा नंबर है जिसके लास्ट में 52 लिखा है, आप 25 से डिवाइड करो, सीधी बात है सर, दो रिमाइंडर होगा। एक बड़ा सा नंबर है और उसके लास्ट में 81 लिखा है, आप उसे 25 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होगा? 25 से डिवाइड कर रहे हो तो सर सीधी बात है 6 रिमाइंडर होगा, क्योंकि लास्ट में आता 75 होना चाहिए। तो देख लो 75 से कितना ज्यादा है, 52 है तो देख लो 50 से कितना ज्यादा है, ऐसे करके। अब ये एक नंबर है जो लिखा है 13176, 25 से आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको पता है लास्ट में 75 आएगा और 76 लिखा है तो रिमाइंडर आएगा 1, और जो रिमाइंडर आएगा वही q की वैल्यू है। तो q की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है? 1 है, q की वैल्यू 1। अच्छा, जो p है वो q प्लस 1 है, तो p की वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस 1 यानी कि 2 होगी p की वैल्यू। और जो p है, अब जो p है वो बेसिकली r प्लस 2 है, तो p की वैल्यू 2 है इक्वल टू r प्लस 2, तो यहां से r की वैल्यू 0 होगी। सही है ना बात? कोई डाउट तो नहीं किसी भी बच्चे को, राइट है? तो आपने पी क्यू आर की वैल्यू निकाल ली यहां से, और क्या कर सकते हैं? बस ठीक है, अब पुट कर दो इसमें, तो सबसे पहले हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस
पी मतलब दो, दो का स्क्वायर चार, प्लस में क्यू मतलब वन, प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन का स्क्वायर वन और ये जीरो, प्लस वन अपॉन में वन प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो और ये वन, तो कुल मिला के बना आपका वन अपॉन सिक्स, ये बन गया आपका वन अपॉन टू, और ये कितना बन गया, ये भी वन अपॉन टू, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू वन होता है, तो वन बाय सिक्स प्लस वन यानी कि आंसर सेवन बाय सिक्स होगा, जो कि ये वाला है। डन है, आगे बढ़ू मैं, प्रियंका वगैरह जो भी बच्चे हैं, नेक्स्ट पे आते हैं अगला क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, दिखने में कॉम, तो ये मैंने जान के रखा क्योंकि कुछ क्वेश्चन सीमेट स्नैप ऐसे में आते हैं जो दिखने में अजीब से लगते हैं कि पता नहीं क्या ही पूछा होगा, एलजेब्रा का क्वेश्चन है वो, बट बेसिक से होते हैं। ठीक है, अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, ऑप्शन है 11, 7.82, 3.42 या फिर 10। तो एक वर्टिकल सिलेंडर सिलेंड्रिकल वेजल है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, एट व्हाट स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली शुड वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ 100 स्क्वायर सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन, पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो इतना 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओपनिंग इनटू द वेजल सो दैट द वाटर लेवल इन द वेजल राइजेस बाय 4 मीटर इन 3 मिनट। सागर, विनय, ऋतिक, धीरेंद्र और कोई बच्चा, शांभवी, संदेश, तो हिमांशी, बढ़िया। देखो मैंने आपको एक पहले तो एक चीज बता देता हूँ, जब भी मुझे थोड़ा सा, जैसे कुछ बच्चे ना चैट में अभी भी हैं कि सर ऐसा ही पेपर आएगा, ऐसा ही आएगा वगैरह, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी ऐसे मुझे फुल लेंथ टेस्ट बनाने होते हैं ना, फुल लेंथ टेस्ट अगर मुझे बनाने होते हैं पॉइंट्स के किसी भी, चाहे वो स्नैप का हो, सीमेट का हो, जैट का हो, कहीं का भी, तो मेरा सिंपल सा पैटर्न ये है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहता, तो मैं सिंपल प्रोसेस क्या करता हूँ कि मैं कोई भी एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाता हूँ, ठीक है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने 2000, ऐसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने 2019 का सीमेट का पेपर उठाया, ठीक है, अब 2019 का सीमेट का पेपर उठा के मैं बस ये देखता हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क है, फिर मैं उसका लेवल देखता हूँ कि टाइम एंड वर्क का, अच्छा इसने इजी लेवल का क्वेश्चन रखा है, ठीक है, तो मैं अपना जो टेस्ट बना रहा था उसमें मैं टाइम एंड वर्क का इजी क्वेश्चन रख देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा इसने प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा डाला हुआ है, थोड़ा मॉडरेट लेवल का डाला हुआ है, तो फिर मैं भी एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन अपने असाइन, मतलब कॉपी पेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस का मॉडरेट क्वेश्चन डाल दिया, फिर मैंने देखा अच्छा इसने एक लॉ का क्वेश्चन डाला हुआ है, तो फिर एक लॉक का क्वेश्चन जिस भी लेवल का उस लेवल का मैं डाल देता हूँ। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ सभी बच्चे, अगर मैं फुल ऑनेस्टी के साथ बात करूं तो ये तरीका, और ये मुझे एक सिंपल तरीका लगता है जिससे कि कहीं ना कहीं एक जेन्युइन, जो मुझे लगता है कि यार एक जेन्युइन पेपर बच्चे के लिए सेट किया जा सकता है अगर मुझे उसका फुल लेंथ टेस्ट रखना है, बजाय कि मैं अपने दिमाग से चलूं, तो फिर और फिर ये रहता ना यार ये इजी डालूं वो डिफिकल्ट डालूं, तो ये सिंपल सी कहानी है, अगर मुझे जैट का बनाना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जैट के पीवाईक्यूज दो तीन उठाऊंगा, उसमें देख लूंगा भाई क्या क्या सीन है, ठीक है, और कोई भी एक पेपर, कोई भी एक पेपर उठाया जस्ट फॉर एन आइडिया, अच्छा इन्होंने टाइम एंड वर्क कुछ का क्वेश्चन दिया, मैं भी एक टाइम एंड वर्क का डाल देता हूँ, इन्होंने इजी रखा चल भाई इजी डाल दे, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन रखा इन्होंने मैं भी डाल देता हूँ, इन्होंने डिफिकल्ट डाला है तो चलो मैं भी डिफिकल्ट डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि एक मुझे रेफरेंस मिल जाए, यू नो कि टेस्ट बनाते वक्त मुझे एक रेफरेंस मिल जाए कि यार किस बेसिस पे चलाना है, समझ गए बात सभी बच्चे, तो समझ गए ना, तो अब आपको क्लियर हो गया तो कि सर क्या ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो ऐसे ही आएंगे क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज को ध्यान में रखते हुए बनाया है, ठीक है, चलो फिलहाल मुद्दे पे आते हैं।
एक वर्टिकल सिलेंडर है, एक वर्टिकल सिलेंडर वेजल है जिसकी रेडियस 7 है, ठीक है, ध्यान से सुनना, थोड़ा मेंसुरेशन के क्वेश्चन इमेजिन करते हुए चला करो कि एक वर्टिकल सिलेंडर ऐसे इमेजिन कर लो, एक सिलेंडर वेजल है और जिसका रेडियस 7 है, एट व्हाट स्पीड इन सेंटीमीटर शुड द पानी फ्लो करे, पानी का जो क्रॉस सेक्शन है ना वो 100 दे रखा है, सो दैट द वॉटर लेवल राइजेस बाय 4 मीटर इन इतना, ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं, आपको पानी चाहिए कितना, आपको पानी कितना चाहिए, तो सिलेंड्रिकल वेजल है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल वेजल है जिसकी रेडियस कितनी है सर, इसकी रेडियस 7 है, और आपको कितनी हाइट तक पानी चाहिए सर, आपको ना 4 मीटर की हाइट तक पानी चाहिए, कितनी हाइट तक पानी चाहिए 4 मीटर, ठीक है, बात क्लियर, तो अभी राइट नाउ 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर इसमें पानी कितना आ गया, 3 मिनट में इसमें ये पानी कितना आ गया, 3 मिनट के अंदर कितना पानी आ गया इसमें, तो सर पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, अच्छा ये सेंटीमीटर है ध्यान रखना, तो हम लोग ही सेंटीमीटर में रखेंगे हर बात को, पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन जो हाइट है वो मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर कर लो 400, क्या ये बात क्लियर है, कि सर 3 मिनट के अंदर ना, ये जो 3 मिनट है, 3 मिनट के अंदर जो पाइप है उससे इतना पानी बाहर आया है, बात क्लियर है, इतना पानी बाहर आया 3 मिनट में, अच्छा जो आपका पाइप है उससे 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आता है, अब जो आपका पाइप है ना, जो कैसा भी हो सकता है, हो सकता है सिलेंड्रिकल पाइप हो सकता है स्क्वायर पाइप हो, दैट डजंट मैटर, क्यों, क्योंकि उसने आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, क्रॉस सेक्शन मतलब जो पाइप का फ्रंट एरिया है वो कितना है, पाइप का फ्रंट एरिया कितना है वो बता रखा है, तो पाइप का जो फ्रंट एरिया है वो कितना है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है, कितना है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना होता है, ये चीज ध्यान रखना, कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, जैसे मान लो सिलेंड्रिकल पाइप है, अब ये सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, सिलेंड्रिकल पाइप का मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस शेप का लिया, फटाफट से चैट में बताओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा है आपको, अगर सिलेंड्रिकल पाइप है तो आप बोलोगे ना सर एरिया जो है क्रॉस सेक्शन का वो क्या है, सर्कल है, सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर, अब पाई आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, अगर मान लो मैं कहता हूं इसमें पानी की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब सर 1 घंटे में इस पाइप से कितना पानी बाहर आएगा, 1 घंटे में इस पाइप से कितना पानी बाहर आएगा, तो सर क्रॉस सेक्शन का एरिया, क्रॉस सेक्शन का एरिया इंटू में लेंथ कितनी लेनी है, क्योंकि सर स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, तो सर 1 घंटे में 3 किलोमीटर लेंथ का पानी बाहर आएगा, इसलिए मल्टीप्लाई 3 किलोमीटर, ये बात पता है सभी को, अब यहां पर इसने कोई आलतू फालतू पंगे नहीं लिए ये बोल के कि पाइप का फ्रंट एरिया सर्कल है स्क्वायर है, कुछ नहीं, सिंपल आपको एरिया ही बता दिया कि भैया पाइप का जो फ्रंट क्रॉस सेक्शन एरिया वो 100 है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया 100 इंटू में पानी के फ्लो की स्पीड क्या है, स्पीड क्या है पानी की, लिखिए कहीं पे पानी की स्पीड लिखी है, नहीं लिखी क्या, एट व्हाट, अच्छा स्पीड पूछी है, ठीक है स्पीड पूछी है, मान लो इसकी स्पीड है x सेंटीमीटर पर सेकंड, इसकी जो स्पीड है वो x सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आएगा, 1 सेकंड में सर पानी बाहर आएगा x सेंटीमीटर तक का, ये बात मैं कर रहा हूं 1 सेकंड की, लेकिन ये जो पानी आया है इस पाइप से, ये जो पानी बाहर आया क्या ये 1 सेकंड का है, ये जो पानी बाहर आया है क्या ये 1 सेकंड का पानी है, नहीं ना सर ये 3 मिनट का है, 3 मिनट मतलब 180 सेकंड, तो इसलिए मल्टीप्लाई 180 भी होगा एंड ये इक्वल हो जाएगा, समझ गए बात क्लियर है सभी को, भाई इस पाइप से 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आता है सर, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू में पानी की स्पीड x सेंटीमीटर पर सेकंड है तो x, लेकिन ये 1 सेकंड का पानी है, पानी 3 मिनट तक आया है तो मल्टीप्लाई 180 होगा, अब पानी आया कितना बाहर क्योंकि सिलेंडर के अंदर भर गया आके, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, सॉल्व करके x निकाल लेना, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं 3.42, वो काटना पीटना आप लोग कर लेना, ठीक है क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन बचे हुए अभी भी, नेक्स्ट पे आते हैं, इसको ट्राई करो, ऑप्शन है आपके 96, 48, 36 या फिर नन ऑफ दीज, सर शो द लीडर बोर्ड वॉन्ट्स टू रिफिल द मोटिवेशन, बिल्कुल जी दीपांकर ये क्वेश्चन कर लो फिर मोटिवेट करते हैं, मतलब मोटिवेशन के लिए मैं रखता हूं इसे, 5:40 तक खत्म कर देना, रोजा खोलना है 5:40, जी सर 5:40 तो कब के हो गए बशीर, सही कह रहा आपने 6:40 कहना चाह रहे हो बशीर आप, ठीक है एक सेकंड, इतने बच्चों का आंसर गलत, सिर्फ एक का आंसर है अभी तक, दीपांकर
काफी इज्जत ही। इसका मतलब फॉर्मूला भूल गया आप लोग, हाँ फॉर्मूला भूल गया ना सारे, कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस सर्कम रेडियस है तो क्या होता है, कैसे निकालते हैं। मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, आर स्क्वायर प्लस में टू टू आर आर। अब करो इन रेडियस का स्क्वायर प्लस में टू आर आर, ये होता है फॉर्मूला। चलो अब आया आंसर फटाफट से बच्चों, बस बस सर यही 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 जानना था सर बस, बहुत है सर ठीक है। सर समझा, हाँ बताऊंगा सागर, टाइमर खत्म हो जाए फिर समझाता हूँ। ओके जी, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो इन रेडियस है और जो सर्कम रेडियस है, ठीक है, जो इन रेडियस है सर्कम रेडियस है वो इस क्वाड्रेटिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करी जा रही है। मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो रूट होंगे ना वही इन रेडियस सर्कम रेडियस है। इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 40, सर मल्टीप्लाई करने पे लाना है 40 प्लस करने पे 14, तो सर दो फैक्टर होंगे 10 और 4, और क्योंकि सर माइनस 14 है तो माइनस 10 माइनस 4। अब सर फाइनल आंसर में साइन पलट जाता है तो एक्स की वैल्यू 4 और 10 आ गई, तो ये इन रेडियस है ये सर्कम रेडियस है। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आर स्क्वायर प्लस में टू आर आर, तो सर ये हो जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 10 इंटू 4, तो सर ये हो जाएगा 8, 80 हो गया, ये 16 हो गया, आंसर 96 होगा। ठीक है डन है, नेक्स्ट पे आते हैं, इसको ट्राई करना। ऑप्शन है आपके 160 रूट 3, समझ आ गया था ना लास्ट क्वेश्चन, बहुत ओवर एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है क्योंकि बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है इफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद सर्कमस्क्राइब एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 616, तो फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके शाहू, यश, दीपांकर, एमडी, साक्षी, बढ़िया। अगेन मुझे लग रहा फॉर्मूला याद नहीं है इसीलिए फिर से बच्चे गए अटक। ठीक है बिल्कुल अनुभव, वो तो आप डायरेक्ट डाउनलोड ही कर लोगे ना अनुभव पीडीएफ, तो जो हम लोग अनअकैडमी ऐप पर सेशन लेते हैं ना, तो इसमें मुझे पीडीएफ शेयर करने की जरूरत नहीं है। जो सेशन है आप 40 या 50 मिनट बाद दोबारा इस सेशन के लिंक पे क्लिक करना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी डाउनलोड करने को। ठीक है अनुभव, एग्जैक्टली नेहा ने कहा हाँ फॉर्मूला बताओ, ऐसे कैसे नेहा, पहले खत्म होने दो टाइमर फिर बताऊंगा मैं। आंसर आ गया नेहा का, कोई जरूरत नहीं है सर मेरे पास नोटबुक है, मैं वहां से देख लूंगी। ठीक है बढ़िया। यार एक बात बताओ, आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, बताना कितने बच्चों को याद है। मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब भी रेडियस आपका 7 होता है तो पेरीमीटर 1 कितना होता है, 44 होता है, और एरिया कितना होता है, 154 होता है। ये बात मैंने आपको बता रखी है राइट। इस क्वेश्चन में एरिया गिवन है 616, तो मल्टीप्लाई 4 करना होगा, तो रेडियस क्या मल्टीप्लाई 4 हो गया, मल्टीप्लाई 2 हो गई। जो हम बेस लेते हैं, बेस वैल्यूज हम क्या लेते हैं कि भाई सर्कल का रेडियस 7 होता है तो एरिया 154 होता है। अब एरिया है 616, मतलब 4 टाइम एरिया को इसने 4 गुना किया तो रेडियस डबल होगी, क्योंकि एरिया तो स्क्वायर में चलता है तो रेडियस 14 है। अगर ये बात आपको पता है तो डोंट यू थिंक कि ये तो आप वैसे ही बता सकते हो कि सर अगर एरिया 616 है तो रेडियस 14 होगी। आसान बात है ना कि सर इस क्वेश्चन की जो सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस कैपिटल आर दैट इज 14। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस कैसे निकलती है, सर ए अपॉन रूट 3,
ए अपॉन रूट थ्री करते हैं, तो ए अपॉन रूट थ्री क्योंकि सर्कम रेडियस होती है ए अपॉन रूट थ्री, और ए अपॉन रूट थ्री 14 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 14√3। अब सर फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एरिया बताना है, साइड उसकी 14√3 है, तो √3/4 ए स्क्वायर मतलब कि 14√3 का स्क्वायर, तो ये हो गया सर √3/4, ये हो गया आपका चलो 14 क्योंकि कैंसिल आउट, चलो 14 का स्क्वायर ही कर देते हैं, 14 का स्क्वायर 196 हो गया, तो सर 14 का स्क्वायर हो गया 196 और √3 का स्क्वायर 3, सर 4 इसको कैंसिल आउट कर देगा 49 पे, 49 3 147 √3 आंसर होगा। डन है बात कि सर अगर सर्कल का एरिया 616 है तो 154 रेडियस 7 पे एरिया 154 होता है उसका 4 गुना है तो रेडियस 7 की डबल यानी 14 होगी, ए अपॉन रूट 3 14 है तो ए की वैल्यू 14√3, बस करते जाओ। तो इसलिए ना इसको याद रखो यार, ये बहुत हेल्पफुल चीज है, इसके थ्रू ना कई कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, इसको ट्राई करना। ऑप्शन है आपके 11/12, 131/132 और 61/132, 5/12। साहू, दीपांकर, नवजोत, एरिथमेटिक के मैं बताता हूं बशीर, लास्ट में बताऊं जब टेस्ट एंड हो जाएगा उसके बाद में बता देता हूं। ठीक है, काफी कम बच्चे, शाहू, दीपांकर, नवजोत, सुचायन, अभिषेक, शिवानी, अच्छा नेक्स्ट क्लास से ऐसा करें क्या कि जो 20 क्वेश्चन टेस्ट के होंगे पहले मैं 1/1 क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं, फिर लास्ट में एक साथ आंसर बताऊंगा, क्या कहते हो? क्योंकि मुझे लगता है आपका एक फ्लो बन रहा होगा और वो ब्रेक हो रहा है बार बार कि जब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं तो उस बीच आपका एक जो फ्लो बन रहा है सॉल्व करने का, ऐसा करूं क्या? नहीं, ऐसे चलने दूं, क्वेश्चन देन आंसर, क्वेश्चन देन आंसर, क्वेश्चन देन आंसर, ये ठीक है? बढ़िया, चलो ठीक है, ऐसे रखते हैं, ज्यादा क्रिएटिविटी मत करो सर, ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। मुद्दे की बात करते हैं, इस देखो यार जैसे मैंने कहा प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन होते ना वो सिर्फ होते हैं कि आपकी समझ कितनी अच्छे से क्लियर हो रही है। एक बात करते हैं, देखो एक आदमी है, अ पर्सन हैज पिक्ड 5 टिकट ऑफ अ लकी ड्रॉ फ्रॉम फॉर विच अ टोटल 12 टिकट वर सोल्ड, ठीक, एंड एग्जैक्टली 6 टिकट में क्या है प्राइजेस हैं। अब मेरी बात को ना थोड़ा ध्यान से समझना, आप ऐसे समझो कि आप ना मतलब लॉटरी खरीदने गए, आपको भाई लॉटरी लेंगे, प्राइज लेंगे वगैरह, ठीक है, जो टिकट काउंटर है ना वहां से आज के दिन 12 टिकट बिकने वाली है, कितनी टिकट बिकने वाली है 12, और उन 12 टिकट में से कितने टिकट के अंदर प्राइजेस हैं 6 टिकट के अंदर प्राइजेस हैं, मतलब 6 टिकट हैं जिनमें प्राइजेस हैं, तो इसका मतलब 6 टिकट है जिनमें प्राइजेस नहीं है, सही बात है ना भाई, 6 टिकट में प्राइस है तो 6 टिकट में प्राइस नहीं है। आपने क्या करा, आप वहां गए और आपने 12 टिकट बिकी आज, उनमें से 5 टिकट आपने खरीदी है, कितनी 5, तो यार एक बात बताओ अगर आपने 5 टिकट खरीदी तो ये भी हो सकता है कि क्या पता आपकी इतनी किस्मत फूटी हो कि आप तब भी ना जीतो, एक भी टिकट आपके मतलब की नहीं है, या हो सकता है किस्मत बहुत अच्छी है तो 5 टिकट जो खरीदी 5 के 5 में प्राइस निकल जाए, या ये भी हो सकता है कि 5 में से 3 में प्राइस निकले, कुछ भी हो सकता है, राइट। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि आप ये बताओ कि एटलीस्ट कि भाई कम से कम एक प्राइस आप जीत जाओगे इसके क्या चांसेस है, तो इसके लिए आप सबको पता है ना, या तो आप 5 केसेस बनाओ कि सर एक प्राइस जीतने के कितने चांसेस हैं, मैं 2 प्राइस जीतूंगा इसके कितने चांसेस हैं, 3 के कितने चांस हैं, 4 के कितने चांस हैं, या फिर 1 में से माइनस कर दो किस चीज का प्रोबेबिलिटी
जीरो प्राइस का, कि आपको प्राइस मिला ही नहीं, जीरो प्राइस, आपको प्राइस ही नहीं मिला, ठीक। तो वन माइनस, अब इधर आ जाओ, एक बार बताओ आपने जो पांच टिकट ली है, सबसे पहले बात करता हूं टोटल आउटकम, प्रोबेबिलिटी में कैसे लिखा जाता है टोटल आउटकम, और ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम, ठीक। पहले तो टोटल आउटकम क्या होगा, काउंटर से बिकी 12 टिकट और उन 12 में से 6 में प्राइस है, 6 में प्राइस नहीं है, पर आप टोटल आउटकम का मतलब हुआ कि वो जो 12 टिकट बिके उन 12 में से कोई भी पांच टिकट आप ले लोगे, कोई भी पांच हो सकती है ना 12 में से, तो टोटल आउटकम है 12C5 कि सर 12 में से कोई भी पांच टिकट मेरे हाथ में लग जाएंगे, तो 12C5। लेकिन अभी मैं प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकाल रहा हूं कि आपको जीरो प्राइज मिला, एक भी प्राइज नहीं मिला, तो इसका मतलब आपने जो पांच टिकट ली ना वो इन 6 टिकट में से ली जिनमें प्राइज ही नहीं है। आपको जो पांच टिकट मिली, मैं अगर चाहता हूं आपको जीरो प्राइज मिले, तो इसका मतलब मैं चाहता हूं कि जो आपने पांच टिकट ली ना वो इन 6 में से लिया आपने जहां पर प्राइज ही नहीं है, तो यहां पर आएगा 6C5, तो फेवरेबल अपॉन टोटल। समझ आ गया सभी बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, और 6 में से 5 गया मतलब 1 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, यहां पर कितना आ जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 में से 5 गया 7 फैक्टोरियल और इनटू में 5 फैक्टोरियल, या मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं चलेगा, ठीक है, चलो कोई नहीं कर लेते 1 माइनस 6, या चलो ना डायरेक्ट क्योंकि टाइम कम है यार, आप सॉल्व कर लेना 131 अपॉन 132 आंसर आएगा। सॉल्व तो कर लोगे ना आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, ठीक है, सॉल्व तो हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 7 को ऊपर ले जाना, काट पीट के टाइम पास कर लेना, ठीक है। मुद्दे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन है 99, 90, 110 या फिर 115। इन हाउ मेनी वेज कैन अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन बी इलेक्टेड फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 11 मेंबर who are equally eligible for the post, जो कि पोस्ट के लिए equally eligible है, ठीक है, इसको एक बार आप लोग ट्राई करो, मैं एक मिनट आ जाऊं। ओके, अश्मित अभिषेक शौर्य बहुत बढ़िया। एट्टी टू परसेंट, क्या इतना ज्यादा आसान था क्या, मतलब बिल्कुल सर बहुत आसान था। स्वाति सही है, बहुत हार्ड था क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन अ चेयरमैन, हाँ ये ज्यादा आसान हो गया, ठीक है। देखो यहां पर ये हो सकता, देखो सिंपल है ना, यहाँ सबसे पहले क्या यहाँ ऑर्डर मैटर कर रहे हैं कि आप जो 11 में से दो लोग सेलेक्ट कर रहे हो उन दोनों का ऑर्डर मैटर कर रहे हैं ना, अरे नहीं कर रहा, कर रहा है क्या बोल रहे हो, ऑर्डर वैल्यू कर रहा है सर। इन हाउ मेनी वेज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, जो दो लोग आप सेलेक्ट कर रहे हो ना वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की पोस्ट पे जाएंगे। अगर मैं कहता हूं कि भाई आज की कमेटी ने डिसाइड किया है कि जो हमारे चेयरमैन हैं और जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं उनके नाम हैं शशांक और शिवानी, तो इसका मतलब हुआ कि शशांक हमारा चेयरमैन है, शिवानी वाइस चेयरमैन है। और अगर मैं बोलूं कि आज की कमेटी ने डिसाइड किया है कि जो चेयरमैन है और जो वाइस चेयरमैन है उनके नाम है शिवानी और जो भी नाम है शशांक, है ना, तो फर्क पड़ रहा है ना यार, पोस्ट का फर्क पड़ रहा है, तो सर परम्यूटेशन लगेगा यहाँ पर, क्या लगेगा, परम्यूटेशन लगेगा, 11 में से दो लोग सेलेक्ट करने और परम्यूटेशन लगेगा, समझ गए, 11 × 10 यानी कि 110 आंसर होगा। आपको दो को सेलेक्ट नहीं करना, अरेंज करना है, ठीक है, और तब भी देखो आंसर सही आया सबका, यही टैलेंट है, बस यही टैलेंट चाहिए मुझे, ठीक है, कि सर कॉन्सेप्ट हमारे कुछ भी हो आंसर हम करेक्ट बता देते हैं।
मुद्दा तो ये है कि यार आंसर आना चाहिए बस। खैर अगले पॉइंट पर आते हैं। इसमें पता है मुझे क्या लग रहा है क्या हुआ होगा, आपने ऐसे सोचा होगा सर 11 है, दो बंदे हैं, 11 इंटू 10 करें तो 110 आ रहा है, ऑप्शन में भी दिख रहा है। डिवाइड टू की अगर हम क्रिएटिविटी सोचे भी तो 55 ऑप्शन में तो है नहीं, चलो जी 110 आंसर। तो ये होते हैं अच्छे लोग। खैर ये सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है यार, जब एग्जाम में कुछ नहीं आता तो ये सब चीजें काम आती हैं। खैर मुद्दे की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं पहले तो। देखो सुना है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो कब एक टीचर भी कभी स्टूडेंट था, तो मुझे पता है कि क्या क्या थॉट बच्चों के दिमाग में आते हैं। तो क्योंकि टीचर भी एक स्टूडेंट था तो मुद्दे पे आते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है? हाँ आपके ऑप्शंस हैं, टोटल मैचेस प्लेड करके है ना, 57, 53, 43 या नन ऑफ दीस। वैभव, तुषार, सागर, जिष्णु, शाहू, दीपांकर, मलार, वाणी, शिवम, मीनू। संदेश, जागृति। श्रेया थोड़ा ध्यान रखो, आप एक्चुअली काफी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है? अब यहाँ आप माइनस करना भूल गए, वरना मुझे लग रहा है। एक सेकंड मैं जरा आंसर देखूं। सिर्फ श्रेया नहीं है इस कैटेगरी के, क्योंकि जिन भी बच्चों ने 57 पे टिक लगाया ना, दैट मीन्स उन्होंने माइनस करने पे ध्यान नहीं दिया, तो 40% बच्चे जिन्होंने कि इस पे टिक लगाया है, ठीक है? और करेक्ट आंसर पे सिर्फ 21% ने लगाया है। इसका मतलब 40% बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन को सिली मिस्टेक की वजह से गलत कर गए, ठीक है? क्योंकि इतना तो मैं श्योर हूं कि 57 ही, इसको कैलकुलेट करने पे तो 57 आएगा, और जो आपको दिखा ऑप्शन में आपने लगा दिया टिक। मुद्दे की बात करते हैं, टोटल मैचेस प्लेड इंडिया और श्रीलंका 2013 में 100 मैचेस है। पहले तो ये पाई चार्ट हमें ये बता रहा है कि इंडिया ने 2013 में जो मैचेस जीते हैं वो किस किस के अगेंस्ट कितने कितने जीते हैं, कितने कितने परसेंट जीते हैं। अब क्या रहा है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 33 मैचेस जीते। अब भाई इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कितने जीते, 11%। 11% की वैल्यू है 33, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो इंडिया श्रीलंका के अगेंस्ट कितने जीती, अगर 1% की वैल्यू 3 है तो श्रीलंका के अगेंस्ट जीती 57 मैच, ऑप्शन में दिखा लगा दिया टिक। तो थम जाओ, ये है कि इंडिया ने कितने जीते, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि श्रीलंका ने कितने जीते। तो 100 मैच हुए थे, अब 100 में से 57 इंडिया जीती है तो 43 श्रीलंका जीती होगी, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान रखें, इस पर ट्राई करते हैं। हाँ लगाते लगाते रुक गया। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 40, 28, 88 और 12। ओके, तो अगर टोटल मैचेस इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया ने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जीते हैं टोटल मैचेस वो 18 हैं। अच्छा जी, तो ये बताओ मैचेस जो कि इंडिया ने जीते जिम्बाब्वे से वो कितने ज्यादा हैं न्यूजीलैंड से। लास्ट क्वेश्चन बशित, मतलब अभी जो कराया पाई चार्ट वाला उसको एक्सप्लेन करूं दोबारा।
मुझे लग रहा है कई बच्चों का आंसर 15 सेकंड में आ गया था, पर उन्होंने कहा नहीं नहीं रुको, पहले ध्यान से पढ़ें क्या निकालना है। पक्का ये निकालना है जिम्बाब्वे न्यूजीलैंड से कितने ज्यादा जीती, ठीक है, जो कि ठीक है, थोड़ा सा अवेयर होके सॉल्व करो क्योंकि टाइम मुद्दा नहीं है, ठीक है, टाइम मुद्दा नहीं है। सी मैट में बहुत अच्छा खासा टाइम मिलता है। खैर यहाँ पर कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट 18% जीती है, तो 9 की वैल्यू 18% है, सॉरी 9% की वैल्यू 18 है, मल्टीप्लाई 2 करना होगा, मतलब 1% की वैल्यू 2। मैंने पूछा तो डिफरेंस आ रहा है 6% का। अब एक 9% की वैल्यू 18, सॉरी, तो जो हाँ आई नो लैग हो गया था पर अभी ठीक होगा। तो जिम्बाब्वे से 20% जीते, न्यूजीलैंड से 14%, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 6% का आ रहा है। अब 9% की वैल्यू 18, तो 1% की वैल्यू 2, तो 6% की वैल्यू 12, है ना, तो 12 आंसर होगा। सिंपल है जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखेगा फिर मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 17 था, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ये वाला क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई करना। चार सौ बीस ना, हाँ ऑप्शन है आपके 41, 126, 266, 131, ठीक है। नवजोत आपने बोला सर क्वेश्चन नंबर 18 एक बार रिपीट कर दो, अभी जो लास्ट क्वेश्चन कराया मैंने नवजोत उसकी बात कर रहे हैं। सर मिक्स प्रॉब्लम में रॉन्ग ज्यादा हो रहे हैं, तो सही है ना अश्मित, इसी को प्रैक्टिस में रखेंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एग्जाम में तो मिक्स आने हैं, राइट अश्मित, तो अब इसी को हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में रखेंगे, ठीक है। शाहू, दीपांकर, कपिल, शिवानी, नवजोत, लास्ट क्वेश्चन सर। कोई नहीं बशर्त, इसके बाद एक ही क्वेश्चन रह गया, देख लेना बाद में। शशांक, शिवू, गौतम, सुकंता, मुद्दे की बात करते हैं। तो सर यहां पे जो आपने लिखा, ये अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करा है पहले, ऐसा क्वेश्चन किया आप लोगों ने कि एक नंबर होता है जिसे सक्सेसिवली इस नंबर से डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर ये आते हैं, ठीक है। नहीं किया तो मार्क कर लेना, इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ करना क्या होता है। इस तरीके से ये सक्सेसिव डिविजन होते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पे लिखोगे आपने डिवाइड किस किस से किया, सर पहले आपने 5 से डिवाइड किया, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 7 से। यहाँ पर रिमाइंडर क्या क्या है, 1, 2, 1, 4, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है उसे हम लोग 0 मानते हैं। तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा, आप सबको पता है ना वाली बात कि इसे हम लोग जो बीच में होता है उसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। ये होता है हमारा डिवाइजर, ये होता है हमारा क्वोशेंट, और जो फाइनली बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो सर जो डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं, पहले इस पे ध्यान दो, मैंने एक यहां पर एक नंबर है, यहां पर एक नंबर है, ठीक है, यहां पर एक नंबर है जिसको मैंने 7 से डिवाइड किया, तो क्वोशेंट मेरा 0 है और रिमाइंडर मेरा 4 है। तो वो नंबर क्या है भाई, 7 से डिवाइड किया, क्वोशेंट है 0, रिमाइंडर है 4, तो 7 × 0 + 4 यानी वो नंबर 4 है। तो यहां पर मैंने लिखा 4। अब इस वाली लाइन पर आ जाओ, एक नंबर है जिसे आपने 4 से डिवाइड किया, क्वोशेंट है 4 और रिमाइंडर है 1, तो 4 × 4 = 16 + 1 यानी 17, फिर ऐसे 3 × 17 + 2 यानी कि 53, 5 × 53 कितना हो जाएगा 15, 265 + 1 यानी 266। समझ गए सभी बच्चे क्या करना होता है, ठीक है, समझ गए ना कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को। तो मैं थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर दिख गया तो फ्री के नंबर होते हैं और जिन्हें नहीं पता उनसे सॉल्व नहीं हो पाता। तो 1, 2, 1, 4, सबसे पहले क्या करना होता है, लास्ट वाला क्वेश्चन 0 लो,
तो पहले क्या होगा, 7 × 0 + 4 यानी कि 4 आ गया। फिर उसके बाद 4 × 4 + 1 यानी कि 17 आ गया। फिर उसके बाद 3 × 17 + 2 यानी कि 53 आ गया। फिर उसके बाद 5 × 53 + 1 यानी कि 266 आ गया। ठीक, अब ये जो नंबर आया है 266, कहता है व्हाट विल बी द रिमाइंडर अगर 420 को आप डिवाइड करोगे इससे। तो अगर आप 420 को डिवाइड करोगे 266 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? नहीं, डिवाइड, सॉरी, 420 इसको डिवाइड कर रहा है, उल्टा लिख दिया मैंने, 420 इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब 266 को 420 डिवाइड कर रहा है। तो यार जैसे मान लो 3 है, अब आप 3 को 10 से डिवाइड कर लो तो रिमाइंडर तो 3 आएगा, वैसे 266 को 420 से करोगे तो रिमाइंडर 266 आएगा। समझ गए बस सभी बच्चे? आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, जो कि यहां पर नहीं है, मैं लिख देता हूं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, तो ये बताओ कि 10^100 थीटा प्लस कॉट की पावर 100 थीटा क्या होगा? आपके ऑप्शन है 0, 1, 2 या फिर 4। सॉरी, 0, 1, 2 या फिर 100। अगर 10 θ + cot θ की वैल्यू 2 है तो 10^100 θ + cot^100 θ की वैल्यू क्या होगी? प्रियंका, कौन सा प्रियंका, लास्ट? हां जी, हां जी, जय, देखो अभी मैं करता हूं लास्ट क्वेश्चन पे, एक बार दोबारा बात करो, एक बार इसका आंसर बता दो, एक बार इसका बता दो, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन पे दोबारा बात करता हूं। ठीक है, सर ये कब पढ़ा है आपने? ये 10θ फुल लेंथ टेस्ट है ना शिवानी, कल पढ़ाऊंगा ट्रिगो में। आज ट्रिगो शुरू करी है ना, पर आज तो पढ़ा है नहीं, कल पढ़ाऊंगा ट्रिगो में। लेकिन अभी फुल लेंथ टेस्ट है तो कुछ चीजें मुझे ऐसी रखनी होंगी जो मैंने नहीं पढ़ाई है, मे भी। ठीक है, अरे बहुत टुच्चा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ क्यों इतना आप भावुक हो रहे हो सर, कि इतना टुच्चा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। 10θ + cot θ की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब सर जैसे दो वेरिएबल है उनका सम 2 है, तो एक आपके दिमाग में क्या थॉट आएगा? अगर दो वेरिएबल का सम 2 है तो आपके दिमाग में क्या थॉट आएगा? सर दोनों को 1, 1 ले लें क्या? अब आप एक बार बताओ, यहां पर भी 10 के साथ थीटा, यहां पर भी 10 के साथ थीटा, मतलब सेम एंगल, क्या 10 और cot सेम एंगल पर वैल्यू 1 देते हैं क्या? क्या 10 और cot सेम एंगल पर वैल्यू 1 देते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल देते हैं, 10 45 की वैल्यू 1 होती है और cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है। मतलब ऐसा ना हर चीज में पॉसिबल नहीं है। अब मान लो मैं आपके सामने बोल दूं sin θ + cos θ = 2 बोल दूं, क्या आप यहाँ पे sin θ cos θ को 1 ले लोगे? बताना जरा चैट में। अगर मैं sin θ + cos θ 2 बोल दूं तो क्या आप sin cos को 1, 1 ले लोगे? नहीं, क्योंकि सर अगर मान लो साइन थीटा की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ तो थीटा 90 डिग्री ले रहा हूं मैं, और सर अगर आप कॉस 90 देखो तो कॉस 90 तो 0 होता है, मतलब सेम एंगल पर साइन कॉस 1 नहीं होते, लेकिन सर सेम एंगल पर टेन और कॉट 1 होते हैं। तो सर यहाँ पर 10θ की वैल्यू 1 है, कॉट थीटा की वैल्यू 1 है। आपने पूछा 10^100 यानी 1^100, कॉट की पावर 100, 1^100, आंसर 2 होगा। समझ गए सभी बच्चे बात? ठीक है, बाकी जो बच्चे लास्ट क्वेश्चन को कह रहे हैं ना दोबारा बताने के लिए, देखो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन 0 ले रहा हूँ ना, क्वेश्चन जो मैं 0 ले रहा हूँ, आप एक्चुअली 0 की जगह 1 भी ले सकते हो, आप 2 भी ले सकते हो, आप 3 भी ले सकते हो, आप 4 भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप 0 लोगे ना तो छोटा नंबर लो, एक छोटे, जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई नंबर बताओ, मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि आप कोई ना नंबर बताओ जिसे जब मैं डिवाइड करूं 7 से, एक नंबर बताओ जिसे जब मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। अब आप बोलने को 11 बोल दो कि सर 11 को 7 से डिवाइड कर लो रिमाइंडर 4 आएगा, पर आप बोलने को 4 भी तो बोल सकते हो कि सर 4 को 7 से डिवाइड कर लो रिमाइंडर 4 आएगा। समझ गए? जरूरी थोड़ी कि सिर्फ आप क्वेश्चन 1 लेके 11 बोला, आप क्वेश्चन 0 लेके 4 बोल दो। तो वही चीज मैंने करी कि इन कंडीशन, जो इसने बोला कि 5, 3, 4, 7 से डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर आने चाहिए, तो मैंने क्या करा, मैंने क्वेश्चन 0 लिया, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन,
जीरो लिया और फिर मैं से वन बाय वन चेक करता चला गया। ठीक है बात, प्रियंका वगैरह जो भी बच्चे हैं, डन है। तो ये थी जी एक छोटा सा पॉइंट, ठीक है, डन है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, बाकी लीडर बोर्ड के हाल कुछ इस तरीके से देखूं यार मैं भी। ये 19 क्वेश्चन क्यों दिखा रहा है, 20 क्वेश्चन नहीं हुए क्या? ये लीडर बोर्ड में 19 क्यों दिखा रहा है यार? मैं तो 20 क्वेश्चन लिए ना पूरे टेस्ट में। हाँ बिल्कुल जिष्णु, पर यार 20, ये 20वां क्वेश्चन था क्या? बकवास है। चलो कोई ना, एक आधा मिस हो गया होगा, छोड़ो मैं भी का दिमाग लगा रहा हूँ। ठीक है, तो जी ये है दीपांकर यार, बहुत बढ़िया यार, 18 बहुत अच्छे। बशीद का भी सही है, बढ़िया है, सही है ओवरऑल। ठीक है सर, एक बार फिर दिखाना, हो गया देख लिया साक्ष्य आपने, डन है। ठीक है, क्या बताना है, क्या बताना है सागर, क्या बताना है भाई? 266 वैल्यू क्यों ली? अरे मेन देखो, अब मान लो ये, चलो ये सब छोड़ो, मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन कहता हूँ, मैंने क्वेश्चन बोला, मैंने कहा एक नंबर है जिसको ना आप सक्सेसिवली डिवाइड करो 5, 3 और 4 से। मान लो मैंने कहा एक नंबर है उसको ना सक्सेसिवली 5, 3 और 4 से डिवाइड करो। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि मान लो मैं आपको एक नंबर 100 दे रहा हूँ, तो पहले आपको ना क्या करना है, या मान लो मैंने आपको नंबर दिया 102, तो आपको ना पहले उसे 5 से डिवाइड करना है। अब 5 से देखो कितने पे डिवाइड हुआ, तो सर 5 से 20 पे डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2। फिर मैंने कहा इसे 3 से डिवाइड करो, आपने इसे 3 से डिवाइड किया, 3 6 18 होता, रिमाइंडर आएगा 2। फिर आपने इसे 4 से डिवाइड किया, सर 4 1 4 होता, रिमाइंडर आएगा 2। तो जब आप 102 को, जब आप 102 को 5 3 4 से डिवाइड करोगे तो आपके रिमाइंडर क्या आएंगे, 2 2 2 आएंगे। समझ गए क्या सीन होता है, कैसे डिवाइड करना होता है? अब आप इसी चीज को जरा ऊपर की तरफ मूव करते हुए आओ, अब आप इसी को जरा ऊपर की तरफ मूव करते हुए आओ। आपने 5 से डिवाइड किया, 3 से किया, 4 से किया और 2 2 2, और लास्ट में क्वेश्चन आपने 1 ले रखा है, तो 1 आया था। अब यहाँ नंबर क्या आएगा, 4 1 4, 4 into 1 plus 2 यानी कि 6 आएगा भाई, 4 into 1 plus 2 6 आया। फिर यहाँ पर एक नंबर है जिसे आपने 3 से डिवाइड किया, तो 6 आपका क्वेश्चन आया था और 2 रिमाइंडर है, तो 3 6 18 और 2 20। फिर 5 into 20 plus 2 102। समझ गए बात, ऐसे मूव करते हुए आते हैं। अब जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था लास्ट में, कहाँ गया ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, अब इसमें क्या था बेसिकली ना, आपको एक नंबर सोचना था, बस आपको एक नंबर सोचना था जो इस बात को सेटिस्फाई कर दे, क्योंकि ये जो बात है ना ये इनफाइनाइट नंबर पे सेटिस्फाई हो जाएगी। ये जो बात मैंने बोली ये बात इनफाइनाइट नंबर पे सेटिस्फाई होगी, जरूरी नहीं सिर्फ 266 पे, इनफाइनाइट पे सेटिस्फाई होगी। लेकिन सबसे छोटा नंबर लेट किया करो, लेट क्या करो, सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर लेट करने के लिए क्वोशेंट को 0 ले लो, ठीक है? फिर आप 5 3 4 और 7 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर आ रहा है 1 2 1 4, बस सॉल्व करते जाओ। अभी समझ आ गया सभी बच्चों को? फिर से दिखाऊं लीडर बोर्ड, दिव्यानी 10 है आपके, 19 में से 10 करेक्ट हुए, सुकंता 10, अश्मित 10, अजय 10, साक्षी 19, शिवम 11, ऐसे करके, डन है। आगे हो गया बस, ठीक है अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जब मैंने बोला था भाई 7 into 0 plus 4 यानी 4 आएगा, 4 4 16 और 1 17 आएगा, 3 into 17 और 2 कितना 3 17, 51 और 2 53 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना 266 आएगा। मतलब जो नंबर है ना, और ये नंबर ऐसा नहीं कि सिर्फ 266 पे ही ये चीज पॉसिबल है, ये इनफाइनाइट पे पॉसिबल है, ठीक है? मैंने 266 लिया, फिर 266 को आप 420 से डिवाइड करोगे, आपका रिमाइंडर 266 आएगा। अब बच्चा बोलेगा सर अगर मान लो मैं यहाँ क्वेश्चन 1 ले लेता तो सर यहाँ पर एक अलग नंबर आता। अगर अलग नंबर आता भी ना तो भी जब आप उसे 420 से डिवाइड करते ना, 420 से डिवाइड करते, आंसर सेम ही आता, आंसर सेम ही आएगा। चाहे आप यहाँ क्वेश्चन 0 लो, चाहे 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, जरूरी नहीं हर बार 266 आएगा, हर बार अलग अलग नंबर आएगा। जब क्वेश्चन 0 लिया 266 आया, क्वेश्चन 1 लोगे एक अलग नंबर आएगा, क्वेश्चन 2 लोगे एक अलग नंबर आएगा, हर बार अलग अलग नंबर आएंगे। पर उन नंबर्स को जब आप 420 से डिवाइड करोगे ना तो ये गारंटी है कि रिमाइंडर 266 आएगा। समझ गए बात? हर क्वेश्चन में 0 लेना शिवम, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन हर क्वेश्चन में 0 ले लेना, काम बन जाता है, ठीक है? बाकी ये ध्यान रखना अनअकैडमी पे जो आपको 25% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है अभी राइट नाउ, प्लस आइकॉनिक जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, और इसके लिए जो रेफरल कोड यूज करना है वो है RMN10, ठीक है? RMN10।
डन है ठीक है। कुछ जगह पे ना शिवम, कुछ जगहों पे उन्होंने, कुछ लोगों ने वन लेके करा रखा है, वैसे लॉजिकली वन नहीं जीरो लेके करना चाहिए ठीक है, सॉल्यूशन जीरो लेके करना चाहिए, इजी रहता है। मार्च टू सक्सेस, अब ये बैच स्टार्ट हो रहा है यार, ये देख लेना कैट 23 का बैच है ये आपका, 30 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा मौका है। क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन 31 तक में, अगर आज से 31 यानी 3-4 दिन का टाइम है, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले तो 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड तो मेरे ख्याल सबको पता है, RMN10, ये कोड का आपने यूज करना है। बाकी यार ये है, ब्रिंग योर स्क्वाड बूस्ट सेविंग, बेसिकली 3-4 दोस्त लेकर आओगे, जितने दोस्त होंगे उतने महीने आपको आपके सब्सक्रिप्शन पे फ्री मिल जाएंगे ठीक है। बाकी ये कैट 22 के टॉपर्स हैं जिनके लिस्ट है, 75+ बच्चे थे, 99 परसेंटाइल वाले। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको फिजिकल बुक्स मिलती है, पर्सनल कोच मिलता है, GDPI बैट, आस्क अ डाउट, डिस्कॉर्ड, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और प्लस में आपको इंटरेक्टिव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स PDF, ओपन हाउस, डिजिटल नोट्स। एक तो ये थोड़ा चेंज हो गया ना, तो मेरा फ्लो खराब हो रहा है, मुझे रट गया था ठीक है। डिजिटल नोट, 25,000 का क्वेश्चन बैंक, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनअकैडमी कम्युनिटी, आस्क अ डाउट, हैंड रेस करो, माइक ऑन करके डाउट पूछो। और ये अनअकैडमी के नोट्स हैं, उनके ये फीचर्स हैं जो आपके सामने मेंशन है कि अनअकैडमी के जो बुक है वो किस चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और बाकी यार ये देख लेना, आपका 29 को एक टेस्ट होने वाला है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर, 30 मिनट का टेस्ट होगा। बाकी ठीक है यार, कोड आपको पता ही है, RMN10 ठीक है, इसको यूज कर लेना टू गेट 25% का डिस्काउंट। और ये रहा मेरा टेलीग्राम, सर एंड मैडम जो भी हैं आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लेना ठीक है। चलो ओके बाय, हाँ टेक केयर, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में, कल भी एक टेस्ट रखूंगा, मजा आएगा ठीक है, बाय। बिल्कुल सर, अभी पी लूंगा पानी। ओके बाय। जीके का मैं बताता हूँ संदेश क्या करूँगा।